अच्छी जगत में जो आए थे जगत में देने के लिए और राधा रानी के चरण की सेवा को देने के लिए ही महाप्रभु आए, और हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते हैं। और ये जो कलयुग है बोले 1000 जब कलयुग बीत जाती है, सत्य त्रेता बीत जाती है, कहते द्वापर का अंतिम में कलयुग का प्रारंभ में श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में श्रीमन महाप्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए अभी महाप्रभु ने देखा कौन सा संप्रदाय में ये भाव है, उन्होंने देखा ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्मा जिसमें मूल प्रवर्तक उसमें है। आप लोग बरसाना गए हो, कौन कौन बरसाना गए? गए कहते बरसाना कौन है? कहते वो पर्वत का नाम है ब्रह्माचल पर्वत। बोले ब्रह्मा स्वयं पर्वत रूप में वहां पर प्रकट हुए। बोले क्यों? बोले उनके हृदय में राधा रानी की चरण की सेवा की भावना श्री ब्रह्मा जी का हृदय में, इसलिए श्री महाप्रभु ने ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को महाप्रभु ने वो संप्रदाय को महाप्रभु ने चुना है, हैं? इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय मतलब क्या? बोले जैसे जो व्यक्ति विष्णु को भजन करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, और जो व्यक्ति कृष्ण को भक्ति करते हैं उनको कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति राधा रानी गौरी है, राधा रानी गौरी है ना, इसलिए जो राधा जी को भजन करते हैं गौरी को कहते, उनको नाम कहते हैं गौरीय। मतलब हम लोग अगर पूछा जाए भैया कृष्ण से तुम्हारी क्या संबंध है, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हमारी कृष्ण को साथ में डायरेक्ट संबंध नहीं, हमारी जो डायरेक्ट संबंध श्री राधा रानी से है, कृष्ण के राधा जी की कृष्ण ये प्रियतम लगते हैं, इसीलिए हमारी श्री कृष्ण को साथ में संबंध है। लेकिन जो डायरेक्ट संबंध श्री राधा रानी से हमारी डायरेक्ट संबंध, इसका मतलब कि तुम कृष्ण को नहीं चाहते हो? बोले नहीं, कृष्ण को चाहते ही, लेकिन डायरेक्ट हम कृष्ण को सेवा करना नहीं चाहते। बोले किस लिए डायरेक्ट क्यों सेवा करना नहीं चाहते हो, कारण क्या? बोले कारण है जब भगवान कृष्ण एक समय गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष नीचे गोलोक वृंदावन में कृष्ण खड़े थे, अभी कृष्ण की इच्छा हो रही है मैं लीला करूं, अकेले अकेले थोड़ी अच्छा लगता है, घर में पति है पत्नी है बच्चे हैं तभी तो संसार में मन लगता है ना, अकेले कोई व्यक्ति हो थोड़ी मन लगेगा, इसलिए कृष्ण अकेले अकेले, बोले अकेले अकेले मन नहीं लगता, इसलिए कृष्ण लीला करना चाहते हैं। जब कृष्ण लीला करना चाहते हैं इतने में कृष्ण का जो बाम अंग फड़कना शुरू किया, फड़कते फड़कते कंपन होते होते देखा एक सुंदरी दिव्य नारी ईश्वरी श्री राधा रानी कृष्ण की बाम अंग से प्रकट हुआ और रास से प्रकट हुई, इसलिए उनका पहला अक्षर नाम पड़ गया रा। अब प्रकट होकर के सुंदर सुंदर उन्होंने पुष्पों का चयन करते हुए कृष्ण की चरण की सेवा करने के लिए धावित हुए। धावित मतलब होता है दौड़ना, इसलिए कृष्ण सेवा के लिए दौड़ी, इसलिए इनका नाम हो गया राधा नाम हो गया। इसलिए ये कृष्ण की बाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई। कहते उनका डान अंग से कौन प्रकट हुए? कहते श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। और ये बलदेव प्रभु से जितने भगवत अवतार धाम आदि ये बलदेव प्रभु से प्रकट होते हैं, और राधा रानी से जितने शक्ति है उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी ये सब के सब किससे प्रकट होती है? राधा रानी से। अभी प्रश्न है कृष्ण जो राधा रानी रूप में प्रकट हुए हैं जैसे क्यों ये राधा जी के रूप में कृष्ण प्रकट हुए? कहते कारण है अपना सेवा को शिक्षा देने के लिए। उदाहरण दिया जैसे आपका घर में कोई व्यक्ति आया लेकिन उसको मीठा खाना बहुत पसंद, लेकिन आपने किया क्या सारी नमकीन नमकीन चीज बनाकर खिला दिया, वो तो खुश तो होगा लेकिन उतना खुश नहीं होगा, लेकिन वो जैसे चाहते हैं अगर वैसे अगर उनको कोई बनाकर खिलाए ना वो फिर खुश हो जाती है। कहते अभी कृष्ण क्या चाहते हैं, अभी कृष्ण की इच्छा क्या है उसको कौन जानती है? बोले राधा रानी जानती है, ये राधा रानी जानती है। कारण क्या? कृष्ण ही स्वयं
ये राधा रानी रूप में कृष्ण प्रकट हुई है। इसलिए शास्त्र में बताया जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधा विर्ण राधा माधव स्वरूप। मतलब है जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा। केवल उन्होंने लीला विलास करने के लिए उन्होंने दो रूप में प्रकट हुई है। जैसे उदाहरण दिया, आप लोग देखे होंगे घर में जब कभी दिया जलती थी ना पहले, हाँ एक पात्र होता था दिया, लेकिन उसमें कभी तीन बत्ती होती थी, कभी कभी उसमें दो बत्ती होती थी, हैं इधर एक इधर, लेकिन तेल एक ही है, लेकिन तेल तो बीच में एक है, लेकिन दो तरफ में दो दिया जलते, ये उदाहरण दिया। दूसरे उदाहरण दिया है जैसे कमल का फूल जैसे जड़ है, जैसे कमल का फूल का जड़, लेकिन एक जड़ से जैसे दो फूल, उसमें दो फूल उसमें निकले, कौन है, एक राधा रानी और एक श्री कृष्ण। कारण यही है, केवल कृष्ण सेवा की शिक्षा देने के लिए ये कृष्ण एक अभिन्न रूप श्री राधा रानी रूप में प्रकट हुई। इसलिए राधा मतलब क्या होता है, बोले राधा मतलब होता है आराधयति इति राधा, जो कृष्ण को हर समय में कृष्ण की जो आराधना करती है। इसलिए राधा रानी के शरीर में जितने श्रृंगार है, जो कुछ राधा रानी श्रृंगार धारण करती है, राधा रानी का जो वस्त्र का रंग क्या है बता सकते हो, नीला रंग, सब पंडित बैठे थे, इसलिए उनकी कहते हैं नीला वसन बौरी रूपे गुण धन्य। और कृष्ण का वसन का रंग कैसे है, पीला। कहती है नीला और पीला क्यों धारण करते हैं, कारण क्या है, इसलिए राधा रानी नीला वस्त्र धारण करती हैं, हैं कृष्ण का जो रंग है वो नील रंग। और कृष्ण क्यों पीतांबर धारण करते हैं, कारण है राधा रानी का जो रंग है वो पीत वर्ण गौर वर्ण तप्त कांचन गौरांगी। इसलिए राधा रानी कान में जो कुंडल पहनती, किस चीज की कुंडल है, कहते उनकी कानों में कृष्ण कथा कृष्ण नाम के सिवाय जिनकी कान में और कोई चीज प्रवेश नहीं करती, कान में केवल कृष्ण नाम कृष्ण कथा ही प्रवेश करती है। इसलिए राधा रानी जब नील चुंदरी जब नील रंग की लहंगा पहनती है, ऊपर का जो चुंदरी का रंग कैसे, कहती है गुलाबी है, गुलाबी। बोले गुलाबी क्यों धारण करते, कारण क्या, बोले जो गुलाबी रंग है ना वो प्रेम का रंग अनुराग का रंग है। जैसे गुलाल फेंकते ना, गुलाल खेलते हैं आज बिरज में होली रसिया, जो होली खेलते ना गुलाल रंग से, देख ला जगह हमारे हम जो कपड़ा पहने गुलाल रंग के, बोले ये कपड़ा क्यों पहनते हैं, कहती जो रंग है ये प्रेम का रंग, ये गुलाल रंग है। इसलिए मानो हम अपना शरीर को राधा कृष्ण की प्रेम रंग से अपना शरीर को हमने ढक करके रखा है, हैं? इसलिए राधा रानी की जितने श्रृंगार, राधा रानी का शरीर का जितना श्रृंगार देखोगे, ये सब के सब कृष्ण को, कृष्ण प्रेम की एक एक मूर्ति है। उनका जो तिलक है, आंखों में जो काजल लगाते, आंखों काजल किया है, बोले ये प्रेम कुटिल था, हैं? ये प्रेम कौटल्य। राधा रानी की जितने श्रृंगार हार जो कुछ पहनती हैं, ये सब के सब कृष्ण की उद्देश्य करते, कृष्ण सेवा को ये पूरा के पूरा ये उद्देश्य करता है। इसलिए उनका नाम है राधा, मतलब कृष्ण की हर इच्छाओं की, कृष्ण की हर चेष्टाओं की ये राधा रानी जानती हैं, क्या करने से कृष्ण खुश होंगे, क्यों, कृष्ण ही वो एक और एक रूप धारण किया, श्री राधा रूप धारण किया, ये और कोई नहीं, कृष्ण सेवा ही ये एक मूर्ति धारण किया, ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण सबका हाथ का खाना नहीं खाते हैं, कृष्ण सब हाथ की खाना नहीं खाते, केवल राधा जी के हाथ के सिवाय किसका हाथ की खाना नहीं खाते, क्योंकि राधा रानी को वरदान मिला हुआ, राधा रानी जो कुछ बनाएगी वो सबका सब अमृत बनेगी, इसलिए उनका नाम अमृत हस्ता। दुर्वासा ने जब राधा रानी छोटी बच्ची थी, दुर्वासा जी इनके घर में आए, राधा रानी खूब सेवा की, हे दुर्वासा कौन है, ये शंकर जी के एक प्रकाश है, उन्होंने वरदान दिया, तो बेटी उनको पता है ये कृष्ण का शक्ति, बेटी तुम्हारा हाथ में जो कुछ खाना बनेगा ना वो अमृत हस्ता होगा, और तुम्हारी हाथ की जो खाना खाएगा वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, कभी रोग ग्रस्त नहीं होगा, शरीर में ताकत आएगी, दीर्घायु हो, इसलिए दुर्वासा जी वरदान दिया।
इसलिए मैया जसोदा क्या करती हैं, राधा रानी को जावट से रोज रोज बुलाती हैं, अलंकार कपड़ा की लोभ दिखा करके। और राधा रानी आ करके रोज रोज कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाती हैं श्री कृष्ण के लिए। इसलिए जब उन्होंने एक से दो हुए, डाहन अंग से बलदेव प्रभु बाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई। अभी एक से तो दो हो गए, जैसे क्रिकेट प्लेयर होते हैं ना, क्रिकेट देखे होंगे, फुटबॉल खेलते हैं, कितने कितने उसमें रहते प्लेयर, 11-11 रहते हैं, 12, हाँ माता जी कहती है ना, इसलिए उसमें इतना इतना प्लेयर होते हैं। अभी एक से तो दो हो गए, उनने देखा भैया राधा रानी सोच रही है मैं एक स्वरूप से कृष्ण की कितना सेवा करूंगी, अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना फिर तो कृष्ण की हर तरह से हम फिर कृष्ण की हम सेवा कर सकती हूँ। इसलिए राधा रानी ने फिर क्या की, उनकी जो एक एक जो भाव था ना, एक एक जो उनकी एक एक भाव को फिर एक एक उन्होंने गोपी का रूप धारण किया। जैसे ललिता जो लालित तुंग विद्या विद्या में सर्वचित्रा जो आर्ट में बड़ी एक्सपर्ट थे, हैं, इसलिए राधा रानी एक एक अलग अलग एक सखी को प्रकट की और अनंत रूप में राधा रानी प्रकट होकर के उनकी जितने सारी चेष्टाएं केवल कृष्ण को हम खुशी दे सके, श्याम सुंदर कैसे खुश हो जाए। इसलिए मतलब हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा हम नहीं चाहते, जो कृष्ण सेवा चाहते हैं राधा जी की अनुगत्य में ही हम कृष्ण सेवा चाहते हैं। जैसे आप लोग का शादी किए कि नहीं, घर में शादी किए हो सबके, सब कौन कौन शादी किए हो, सब शादी किए हो आप, देखना जैसे आप लोग अपना पति की सेवा करती हो। अभी ये बताओ तुम्हारी पति को क्या चीजें प्यारा लगता है तुमको पता है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, इनको मीठा पता ना खट्टा पता ना उनकी नमकीन पता, कौन सा समय में आपको ही तो पता होगा ना, क्योंकि आप पति की सेवा करती हो। उसी तरह जो राधा रानी ये कृष्ण सेवा करती हैं और कृष्ण ही अभिन्न रूप में श्री राधा रानी बनी, इसलिए कृष्ण की सारी भावनाओं को अगर कोई पूर्ण रूप में जानती है ना, ये केवल श्री राधा रानी जानती है। इसलिए हम लोग श्री श्याम सुंदर को डायरेक्ट सेवा करना नहीं चाहते हैं, हम श्री किशोर जी की अनुगत्य में ही राधा कृष्ण दोनों की हम सेवा करना चाहते हैं। इसलिए इनका नाम है राधा और इनके एक नाम नहीं, इनके अनंत नाम है। इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हुए, उन्होंने एक कौतमय तंत्र से एक उन्होंने श्लोक को उद्धृत करते हुए राधा रानी का नाम को उन्होंने उठाया। राधा रानी के कितने नाम हैं और क्या क्या नाम है, कहते उनका एक नाम है देवी, बोले देवी किया। हम कहते हैं ना देखो ये लड़की देवी जैसे सुंदरी है, कभी उदाहरण देते ना देवी, देवी मतलब दिव्य प्रमाण सुंदर हैं, इसलिए देवी राधा रानी को देवी कहती। बोले देवी क्यों कहते, बोले कारण है जगत में जितने सुंदरता है जगत में हैं, जगत में जितने सुंदरता, लेकिन ये सारी सुंदरता आई कहाँ से, बोले से राधा रानी से। तब कहते हैं राधा रानी कितना सुंदर, हाँ ध्यान देकर देखो कितने सुंदर राधा रानी, कहते ये पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं ना, पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं सबको अंदर कुछ ना कुछ सुंदरता है कि नहीं, सबके अंदर में कुछ ना कुछ सुंदरता है। कहते सारे स्त्रियों की सुंदरता को अगर एक कर दोगे ना, कहते स्वर्ग में जो रंभा उर्वशी मेनका जो हम नाम सुनते हैं ना, कहते एक गंधर्व को साथ में इनकी सुंदरता बराबर होगी, इतने स्वर्ग की अप्सरिया सुंदरी है। कहते स्वर्ग में जितने अप्सरिया है जितने सुंदरी है, कहते इनकी सुंदरता को अगर एकत्रित करोगे ना, कहते ये एक लक्ष्मी को साथ में बराबर होगा, जैसे नारायण का पत्नी लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी को साथ में बराबर होगा। कहते ये जितने लक्ष्मी है अनंत करोड़ों लक्ष्मिया, अगर इनकी सुंदरता को एकत्रित करोगे ना, कहते एक श्री गोपी को साथ में बराबर होगा, इतने गोपियां सुंदरी है। कृष्ण ऐसे आकृष्ण नहीं हो जाते गोपियों के प्रति, कृष्ण ऐसे आकृष्ट नहीं, कृष्ण ऐसे आकृष्ट कृष्ण नहीं हो जाते हैं, इतने सुंदरता गोपियां हैं। लेकिन कहते राधा रानी कितने सुंदरी है,
कभी ये जितने गोपियों को सुंदरता को अगर एकत्रित कर दोगे ना, कहते राधा रानी की चरण की जो नख है, राधा रानी की चरण की जो नख से जो ज्योति निकलती है, कहते ये सारे सुंदरता राधा रानी की चरण की नख की ज्योति को साथ अंदर में ये समाहित हो जाएगी। इतने श्री राधा रानी सुंदरी, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, इतने। इसलिए कहते हैं देवी कहे तुत्तमना परम सुंदरी, कृष्ण क्रीड़ार बसती नगरी। उदाहरण दिया है कृष्ण जहाँ पर लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। उदाहरण दिया है जैसे राधा रानी सुंदर एक बगीचा, सुंदर एक बगीचा, जैसे वो बगीचा में जैसे सुंदर जूही बेली चमेली बड़े सुंदर सुंदर जहाँ फूल खिला हुआ, और कृष्ण क्या करते हैं जिस बगीचा में, कृष्ण स्वयं जिस बगीचा में विहार करते हैं, कृष्ण लीला बसती नगरी है। इसलिए कहते देवी, दूसरा नाम कृष्ण मई, कृष्ण मई मतलब बोले कृष्ण जहाँ बाहर भीतर है, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्कूल, उनका नाम है कृष्णमयी, मतलब उनका आंख जिधर पड़ती है ना उनको कृष्ण के सिवाय और कुछ दिखती नहीं, और कुछ दिखती नहीं। अगर काला मय को देख लेना कभी ये क्या है, बोले कृष्ण का रंग है। किसी मोर पंख को देख ले कृष्ण की याद आती है, कोई भी चीज को दर्शन करती है केवल उनको कृष्ण 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 ही स्मरण आती है, इसके सिवाय उनकी और कुछ भी स्मरण नहीं आता है। इसलिए राधा रानी का एक नाम श्यामा, कृष्ण श्याम और राधा रानी श्यामा। श्यामा क्यों, कारण क्या, बोले राधा रानी अगर कभी जगन्नाथपुरी जाओगे वहां पर देखोगे राधा रानी, सब जगह में तो राधा रानी गोरी देखोगे, पुरी जाओगे ना वहां तोटा गोपीनाथ में देखोगे राधा रानी गोरी नहीं वो काली है। बोले क्यों, बोले कृष्ण चिंता करते 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 वो एकदम कृष्ण का रंग धारण की है, इसलिए इनका नाम है श्याम। और जो श्याम है बोले कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, ये जो श्याम रंग है कति इसका मतलब है ये उज्ज्वल रस बस श्रृंगार रस है, मतलब जो राधा रानी हर समय कृष्ण को क्या करती है वो श्रृंगार रस को आस्वादन करती है, इसलिए इनका नाम देवी कृष्णमयी। बोले तीसरा नाम है राधिका, बोले राधिका नाम क्यों पड़ा, बोले कृष्ण ने आराध्यते इति राधिका, कृष्णम समाराध्यते राधिका, मतलब है कृष्ण जिनको स्वयं आराधना करती है। इसलिए वृंदावन में सेवा कुंज कभी जाओगे देखोगे सारा दुनिया तो कृष्ण सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण किसकी सेवा कर रहे हैं, श्री राधा रानी की सेवा करते हैं, हैं उनकी आराधना करती हैं, और कभी कभी राधा रानी कृष्ण को आराधना करती हैं। इसलिए रासलीला में जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए और गोपियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कहाँ हैं, ढूंढते ढूंढते अभी कृष्ण के चरण की सेवा सब गोपियां करती हैं, सबको पता है कृष्ण के चरण में क्या क्या चिन्ह होता है, वो चरण चिन्ह देखकर तो पता चल गया था कृष्ण का चरण चिन्ह, लेकिन जब और थोड़ी दूर गई ना देखा कृष्ण की दोनों चरणों के बीच में एक सुंदर एक छोटी सी कोई एक किशोरी जी की चरण चिन्ह, बड़ी प्यारी चरण चिन्ह है। सुखदेव गोस्वामी को देख कर पहचान गए, बोले क्यों, कहते सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, राधा रानी जिनको अपना हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाती है, कृष्ण नाम सुन पढ़ाया करती हैं, इसलिए वो पहचान गई तो राधा रानी की चरण चिन्ह, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इतने खुश हो गए। बोले देखो बोले अनयाराधित अनुनम भगवान हरिश्वर जन्न बिहाय गोविंद, जद्यपि रासलीला में सब गोपियां तो थी वहां पर स्वपक्ष विपक्ष तटस्था श्रुति पक्ष, लेकिन कृष्ण सबको नहीं लेकर के केवल एक गोपी को लेकर गए, क्यों, कृष्ण इसको विशेष पूर्वक कृष्ण इनको प्यार करते हैं, बार राधा रानी विशेष पूर्वक इनको आराधना करती हैं, सेवा करती हैं, अभी जिसकी सेवा से संतुष्ट होगा उसको भी लेकर जाएंगे। इसलिए ये कौन है बीच में जो चरण चिन्ह था, कहते श्री राधा रानी की, बोले श्रीमती राधा रानी की, कभी ये परा देवता, कहते राधा रानी कौन है, कहते परा देवी, बोले जगत में जितने देवियां हैं ना उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मी
जो अनंत जगत में जो देवियां ये कहां से प्रकट होती हैं, ध्यान देकर सुनो। हमें जब राधा जी की चरण की सेवा कर लिया ना, आपको इधर उधर और भटकने का कोई जरूरत नहीं। आज इसी देवी को पास जाओ, उसी देवता को पास में जाओ, वहां जाओ, कहीं जाने का तुम्हें जरूरत नहीं। जब श्री राधा रानी के चरण की तुमने सेवा कर ली, राधा रानी की पूजा कर ली, समझो 33 करोड़ जितने देवियां हैं सबकी पूजा होगी, सबकी पूजा होगी और कहीं जाने का जरूरत नहीं। जब तुम कृष्ण पूजा कर लिया, कृष्ण भक्ति कर लिया, समझो सबका भक्ति कर लिया, क्योंकि सारे देवादेवी कहां से प्रकट होते, श्री कृष्ण से, सब देवियां से, राधा रानी से। जब तुम कृष्ण और राधा जी के भजन कर लिया, फिर हमें दर दर भटकने कोई जरूरत नहीं। समझ गए कि नहीं, कौन कौन समझ गए? इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 33 करोड़ देवता है ना, कितने को मनाओगे? एक को मनाओ तो दूसरे मुंह खुला कर बैठ जाएगा। 33 करोड़ देवता है, कितने को पूजा करोगे? लेकिन अगर राधा कृष्ण को भक्ति कर लिया ना, सबका भक्ति अपने आप हो ही गया, हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं। इसलिए जो देवी मतलब कहते हैं, पर देवता मतलब है जितने जितने उनका आराध्य, सब में सर्वश्रेष्ठ आराध्य श्री राधा रानी। बोले साधारण देवियों की बात छोड़ दो, कृष्ण भी जिनकी चरण की आराधना कृष्ण स्वयं करते हैं, साधारण व्यक्ति की बात ही तुम छोड़ दो हैं। इसलिए पर देवता, हाँ कहते सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वलक्ष्मीमयी मतलब क्या है? कहते जितने लक्ष्मी आए ना, हैं वैकुंठ में लक्ष्मी आए, द्वारका में लक्ष्मी आए, अयोध्या में लक्ष्मी आए, हैं सब जगह में अनंत लक्ष्मी हैं, लेकिन ये जितने सारे लक्ष्मी में, कहते ये सर्व लक्ष्मीमयी कौन है? हाँ, इनके अंदर बोले श्री कृष्ण की पराशक्ति, लादिनी शक्ति, स्वरूप शक्ति श्री राधा रानी। कहते अगर इनकी भक्ति कर दिया तो जितने लक्ष्मियां इनसे ही प्रकट होती हैं, हैं? कहते कांति, कांति मतलब होता है इच्छा। बोले कृष्ण की इच्छा को अगर परिपूर्ण रूप में अगर कोई पूर्ण करती है, कौन करती है? बोले श्री राधा रानी। इसलिए कृष्ण जब रास लीला कर रहे थे ना, वहां पर 7 करोड़ गोपियां थी, एक नहीं, कितना थी? कहीं तो आता है तो 300 करोड़ गोपियां थी, इतने गोपियां थी। लेकिन जब राधा रानी रास छोड़कर चली जाती है ना, कृष्ण की इच्छा, यहाँ 7 करोड़ गोपियां भी कृष्ण की इच्छा को पूरी नहीं कर पाती, और कृष्ण बिलक बिलक रो रहे थे, राधे तुम कहाँ चली गई, हे किशोर जी तुम कहाँ, कृष्ण लता बताओ को पूछ रहे हैं, कुंज में बैठ करके रो रहे हैं, राधे तुम कहाँ चली गई, हे राधे तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई हैं। इसलिए यदि ये जो कृष्ण की अगर सारी इच्छाओं को कोई पूरी कर सकते हैं, संपूर्ण इच्छा को श्री किशोरी ही, राधा रानी ही, जिनकी सब इच्छा को श्री राधा रानी पूरी करती है। इसलिए सन्मोहिनी परा, सन्मोहिनी मतलब विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण मोहन करते हैं। कृष्ण सोच रहे हैं मैं इतने सुंदर मैं हूँ, मेरे रूप देख करके हैं लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ दी और बैल वन में तपस्या कर रही, मेरे रूप सुन करके हैं लक्ष्मी और शंकर जी, मेरे रूप देख करके मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ, मेरे रूप देख करके नारायण स्वयं मेरे रूप देख करके मेरे को दर्शन करने के लिए उन्होंने द्वारका का बच्चों को चोरी किया, साक्षात नारायण कृष्ण रूप स्वयं देखकर कृष्ण पागल हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण इतने सुंदर, अब कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं ना, जिस बंसी ध्वनि सुन करके विश्व ब्रह्मांड, कहते तेज बारी मृदाम जथा विनिगमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा, कहते जिनकी बंसी ध्वनि सुन करके जो पानी बर्फ बन जाती है, बर्फ पानी बन जाती है, यमुना उल्टी बहने लग जाती है, ऐसा अद्भुत है। लेकिन जब मैं राधा रानी की गला की आवाज सुनता हूँ, पता नहीं राधा रानी के अंदर में क्या है, जब उनकी गला की आवाज सुनता मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ, मेरे रूप देख करके दुनिया मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन मैं जब राधा रानी का रूप देखता मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ, मेरे शरीर को स्पर्श करके दुनिया पागल हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी की शरीर स्पर्श करता मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ। फिर राधा जी के अंदर में क्या चीज है, क्या राधा रानी के अंदर में ऐसे कौन सा प्रेम है श्री राधा रानी के अंदर में? इसलिए इसको आस्वादन करने के लिए
कृष्ण कलयुग में, बोले जब तक मैं राधा नहीं बन जाऊं ना तब तक ये रूप ये चीज को आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कलयुग में कृष्ण राधा जी की भाव अंग कांति धारण करते हुए सच्चिदानंद श्री गौर हरि रूप में श्री महाप्रभु का रूप में आए। इसलिए सारे अवतार काले हैं, जितने भगवान काले केवल एक ही अवतार गोरे हैं, श्री गौरव हरि। गौरव हरि मतलब गोरी राधा रानी, हरि मतलब होता है कृष्ण। ये राधा कृष्ण दोनों मिलकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आते हैं। इसलिए हमारी संप्रदाय का आराध्य श्री राधा रानी। इसलिए हमारे संप्रदाय में जितने गोस्वामी लोग हुए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी, जितने गोस्वामी हुए ना सबके सब श्री राधा रानी की चरण की सेवा को प्रार्थना की, हे राधे कृपा करके अपना चरण की सेवा प्रदान करो और तुम्हारी दासी की दासी की दासी पद में हमें स्वीकार कर लो, हैं सबके सब ये प्रार्थना करते हैं। इसलिए ऐसे महिमा श्री राधा रानी की। इसलिए हमारी संप्रदाय का नाम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, मतलब विशेष करके हम श्री राधा जी की आनुगत्य में ही हम सेवा करने वाले श्री हम लोग, ठीक है। इसलिए बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभान राज नंदिनी की जय, जय श्री राधा। अभी हमारे श्री नवीन प्रभु जी, हमारे श्री नवीन प्रभु जी आपको राधा रानी की कुछ महिमा श्री नवीन प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामिति नामिने। सर्वप्रथम अपने हृदय वृत्त लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तुत श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात में शिक्षक देव भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति, श्री कृष्ण शक्तिमान, राधा रानी शक्ति, एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से सूरज का ताप ताप है राधा रानी और सूर्य श्री कृष्ण, बिना ताप के सूर्य की कोई महिमा नहीं, ठीक इसी प्रकार से सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण जो यहां समस्त जीवों का आकर्षण करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण आकर्षण से बना। और अभी महर्षि ने बड़ा सुंदर बताया, ब्रह्म भरत पुराण में सुंदर उल्लेख आया कि जब भगवान श्री कृष्ण को रास करने की इच्छा हुई तो उनके वामांग से एक कन्या प्रकट हो गई, गोपी प्रकट हो गई जो है श्रीमती राधा रानी, और पुष्पों का सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके जो रास हेतु, क्योंकि बिना रास बिना राधा रानी के रास हो नहीं सकता, सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके रास हेतु धावित हुई, इसलिए नाम पड़ा राधा। रास हेतु धावित इति राधा, राधा रानी साधारण कन्या साधारण नारी नहीं है, ये परब्रह्म परमेश्वर भगवान की शक्ति है। अभी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि एक ही दिव्य ज्योति दो दिव्य ज्योति में प्रकटित हुई, इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, भगवान
हमेशा साकार रूप में ही है, लेकिन जब ज्योति कहा जाता है तो उनका तेज को बोला जाता है। भगवान से इतना ज्यादा तेज प्रकटित होता है, राधा रानी से इतना ज्यादा तेज प्रकटित होता है कि जो ज्ञानी या योगी हैं वो उनको केवल तेज ही समझ पाते हैं, लेकिन भक्त उनकी आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इतना तेज जो करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा प्रतीत हो रहा है, कृपा करके इसको कम कीजिए, न्यून कीजिए और अपना श्याम सुंदर स्वरूप प्रदान कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। तो वही एक कृष्ण राधा और कृष्ण के रूप में प्रकटित हुए। बोलो राधा रानी की। इस जगत में काम है और ठाकुर जी के जगत में अर्थात वैकुंठ लोकों में और वैकुंठ शिरोमणि गोलोक में अत्यंत पवित्र प्रेम है। यहां पर जो भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, जो सखाओं के साथ, जो नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लीला की और सबसे मधुरतम लीला जो गोपियों के साथ की, उसको यदि साधारण लोग देखें या समझें तो उनको मात्र नायक और नायिका के रूप में ही दृश्यमान होता है कि जिस प्रकार से एक लड़का लड़की प्रेम इत्यादि कर रहे हैं, परंतु ब्रज का जो प्रेम है वो काम की गंध से कोसों दूर है, उसमें काम का गंध लेश मात्र भी नहीं है, अत्यंत पवित्र प्रेम है। मात्र 11 वर्ष और कुछ महीने कृष्ण जो बाल अवस्था में रहे, क्या 11 वर्ष के बालक में इस प्रकार का काम हो सकता है जो 100 करोड़ गोपियों के साथ रास रचा सके? ये परमेश्वर ही कर सकते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। और रास, रास का मतलब कई बार हमने श्रवण किया, रस से रास बना। जब समुच्चय में रस का आदान प्रदान होता है उसको रास बोला जाता है, समूह में जब रस का आदान प्रदान होता है उसको रास बोला जाता है। तो 100 करोड़ गोपियों के साथ जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, प्रेम रस है, उसका आदान प्रदान उसको रास कहा गया। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी इतनी ज्यादा सौंदर्य मान है कि भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा सुंदर होते हुए भी राधा रानी से आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात राधा रानी श्री कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर है। भगवान कृष्ण राधा रानी को दर्शन करते हैं और राधा रानी उनका दर्शन करती हैं। यहां प्रेम की पराकाष्ठा है ही नहीं, अत्यंत अनंत सीमा तक चली जाती है। एक दूसरे को संतुष्ट करने में, एक दूसरे को प्रेम प्रदान करने में, एक दूसरे का अवलोकन करने में इतना सेवा भाव उमड़ उमड़ के पड़ता है कि राधा रानी तो समस्त इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं और सोचती हैं कि एकमात्र शरीर से इनकी सेवा नहीं हो सकती, इसीलिए अपने समस्त अंगों से, समस्त रुचियों के कारण जो जो उनके भाव हैं, जिस जिस भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकती हैं, उस भाव को राधा रानी ने अनंत गोपियों के रूप में प्रकटित कर दिया। बोलो राधा रानी की जय। तो राधा रानी की जो सखियां हैं वो भी कोई साधारण नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, अलादनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। अब सबसे ज्यादा सुंदर होने के कारण हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं कि भगवान और राधा रानी
कि उपमा संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उनसे दी ही नहीं जा सकती। कभी हम कमल से देते हैं, कभी हम चंद्र से देते हैं, कभी हम सूर्य से देते हैं, लेकिन ये सब भी तुच्छ है। ऐसे ही राधा रानी का जो सुंदर जो मंत्र हम लोग रोज पढ़ते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे, क्या मतलब? तपे हुए सोने के उससे जो बना हुआ रूप है, अर्थात तपता हुआ पिघला हुआ जो सोना है, ऐसा उनका वर्ण है, ऐसा उनका रंग है। और राधा रानी का वास्तविकता में तपे हुए सोने से भी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा, अर्थात इतनी ज्यादा गोरी है, इतनी ज्यादा जो उनके दिव्य स्वरूप से दिव्य प्रकाश प्रकटित होता है, जिसे औरा बोलते हैं, उसका किसी भी संसार की वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती। तो भी भक्त लोग इन वस्तुओं से उनकी उपमाएं देते हैं, और जब इनका साक्षात दर्शन करते हैं तब रोते हैं कि प्रभु मैंने आपके चरणों में अपराध किया है, हे राधा रानी मैंने आपके चरणों में अपराध किया है, कभी मैंने आपको चंद्र से, कभी आपको कमल से, कभी तपे हुए सोने से मैं आपकी उपमा दे पाया, जबकि यहां जितनी भी वस्तु है वो तो अत्यंत अत्यंत तुच्छ है, आपके सामने नगण्य है, हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि आपका रूप इतना सौंदर्यवान है कि इसको ना शब्दों से ना जीवा से इसका हम वर्णन कर सकते हैं। इसको केवल और केवल राधा कृष्ण की कृपा से ही समझा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। बोलो राधा रानी की जय। महाराज श्री ने बहुत सुंदर सुंदर आज कथा सुबह से कर रहे हैं। आज सुबह जनकपुरी में बहुत सुंदर तरीके से अभिषेक हुए, महाभिषेक हुआ राधा रानी जी का, कृष्ण जी का, उसके बाद नोएडा और अभी। तो ऐसे सदगुरुदेव हमें समझा सकते हैं कि ये इस संसार का प्रेम, जिसको हम प्रेम माने, यहाँ प्रेम तो है ही नहीं, वास्तविकता तो यह है, यहाँ काम है, यहाँ का काम जो है राधा और कृष्ण का, इससे कोसों करोड़ों दूर जो शुद्ध पवित्र प्रेम है वह हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, वो ऐसे सतगुरु परंपरा और सतगुरुदेव ही समझा सकते हैं। तो राधा रानी का जब प्रेम है, जो आस्वादन कृष्ण करते हैं और उनकी सेवा करने के लिए जो बड़ा हड़ी मस्ती है, कृष्ण को जब राधा रानी देखती है तो उनका सौंदर्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इधर राधा रानी का प्रेम और सौंदर्य बढ़ता है, दोनों में सेवा करने की होड़ा हड़ी में ये बहुत ऊपर चला जाता है। अब यहां पर जो ब्रज की कुछ लीला है उनमें से एक आधी लीला लेते हैं, क्योंकि और भी वक्ता है। श्री यशोदा मैया जानती है राधा रानी बहुत सुंदर पाक कला में निपुण है, और कृष्ण के लिए सदैव राधा रानी कृतिका मैया से कहलवा के राधा रानी को अपने यहां पर नंद भवन में बुलवा लिया करती है, और सुंदर सुंदर वहां पर ये पकवान बनाती है। क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि का भी जो है इनको वरदान मिला हुआ है कि जो भी आपके हाथों से बना हुआ पकवान पाएगा वो निश्चित तौर से उसकी आयु वर्धित होगी और अमृत समान होगा। ये तो खैर एक छोटी सी लीला है, वास्तविकता राधा रानी इससे भी ऊपर है। दुर्वासा ऋषि तो एक निमित्त मात्र बने, वास्तविकता ये है कि वो सहदेव ही उनके पास ऊपर है। तो सुंदर सुंदर पकवान बनाती हैं राधा रानी, और जब मध्यान्ह समय होता है गोचारण करके भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो यहां पर उनको वो पकवान प्रस्तुत किए जाते हैं। ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ हाथ मुंह धोकर के बैठते हैं पंगत पर, और सुंदर तरीके से उनको प्रसाद परिवेशन होता है और उसको पाते हैं, और कनखियों से राधा रानी को देखते हैं। राधा रानी भी
उनको बड़े सुंदर तरीके से उनको देखती है और बड़े ही संतुष्ट होती है जब कृष्ण उन सब पकवानों को खाते हैं। तो ये जो सेवा भाव है ये एकमात्र राधा रानी ही हमको प्रदान कर सकती है, सिखा सकती है। श्री कृष्ण समस्त गुरुओं के गुरु हैं, पूरे जगत के गुरु हैं। श्री कृष्ण जो है समस्त जगत के गुरु होने के कारण इन्हें जगत गुरु कहा गया, लेकिन राधा रानी इनकी भी गुरु है। राधा रानी इनकी गुरु क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण को जो भी कलाएं हैं, ये 16 कला में निपुण होकर के भी राधा रानी में इनसे ज्यादा गुण हैं। जैसे नृत्य राधा रानी ने रास में इनको सिखाया, जैसे गान राधा रानी जो है इनको जब ये गाते हैं तो ये सोचते मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता, और राधा रानी और ललिता देवी आकर के ये जो पंच स्वर में गा रहे होते हैं किसी राग को, तो राधा रानी और ललिता आकर के छठा और सातवें उस पर चले जाते हैं। तो ये सातवें से पुनः, क्योंकि ये जो राग है जो सारे गामा पादानी सा, ये हर कोई इसको एक या दो या तीन स्वर तक ले जा सकता है, यहां भौतिक स्तर की बात कर रहा हूं। चौथा पांचवा तो बहुत मुश्किल, और उसमें कृष्ण गाते हैं पांचवें स्वर पर। जब पांचवें स्वर पर गाते हैं तो सोचते हैं कि समस्त गोपियां मुझे सबसे बड़ा गायक मानेगी, लेकिन ललिता जी आकर के उससे भी ज्यादा उच्च स्वर में और बहुत सुरीली आवाज में जब गाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण ठगे से रह जाते हैं, और राधा रानी आकर के उनको ढाढ़स बंधाती है, चिंता नहीं करो मेरे साथ साथ गाओ। तो वो पांचवें स्वर से छठे स्वर पर श्री कृष्ण को लाती है, फिर सातवें स्वर पर लाती है, पुनः सातवें से छठे पर ला करके पांचवें पर उनको संतोष प्रदान करती है। ये राधा रानी, बोलो राधा रानी की जय। इसी प्रकार नृत्य सिखाती है। एक बहुत सुंदर ब्रज में मोर आया, राधा रानी ने उसको देख करके, क्योंकि भगवान का स्मरण किस प्रकार से होता है, कोई भी नीली वस्तु जब राधा रानी को दिखती है तो उद्दीपन हो जाता है, और मोर को देख करके ऐसा लगा जैसे कृष्ण आ गया, उनका आलिंगन किया, आलिंगन करते ही उनको प्रेम दान दिया, मोर के पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया, और नृत्य करता करता वो भगवान श्री कृष्ण के पास जब गया, भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये कोई साधारण मोर नहीं है, इसमें तो प्रेम बरस रहा है। समीप जाके देखा तो उसमें से राधे राधे की गूंज हो रही है, और आनंद इतना कि उसको जब अंक में भरा तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु बहने लगे। ये राधा रानी है, ये प्रेम है। आपने सेवा कुंज का वो चित्र भी देखा होगा, राधा और कृष्ण का सुंदर एक दूसरे का जब अवलोकन होता है, काम नहीं है, शुद्ध प्रेम है, एक दूसरे को देख करके अश्रुधारा बहती ये। और राधा रानी और अन्य गोपियां ब्रह्मा जी को कोसती हैं, हे ब्रह्मा तुमने ये कैसी सृष्टि की, आंखें तो दी इसमें पलक क्यों दे दी, ये पलक जो है बार बार बाधा देती है, बार बार बुझती है, इतनी देर में हम कृष्ण को देख नहीं पाते। वो ब्रह्मा जी को कोसती, और राधा रानी तो समस्त सेवाओं में निपुण, और भगवान श्री कृष्ण को जो सेवा करती है हर प्रकार से, और जब उनके अश्रुपात होते हैं रोती रोती कहती है, हे अश्रुओं तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण मैं अपने श्याम सुंदर का दर्शन और सेवा नहीं कर पा रही, तुम्हें अभी आना था, इस प्रकार से कोसती। ये राधा रानी, ये अत्यंत उत्तम प्रेम राधा रानी का। और तो और समस्त ब्रज के, चाहे वो सखा है, चाहे गोप है, चाहे गोपियां हैं, चाहे मैया यशोदा है, नंद बाबा है, समस्त श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए। और हम लोग गाते हैं परकिया भाव, स्वकिया और परकिया, ये इस जगत के अंदर परकिया बहुत बहुत अत्यंत घृणा का वस्तु है। पारकिया मतलब अपने दंपति जीवन को छोड़ करके अन्य किसी से प्रेम करना, ये इस जगत में घृणित है और हर प्रकार से जो दंडनीय भी। लेकिन भगवान के धाम में
क्योंकि शुद्ध निर्मल प्रेम है, वह पर किया वहां अत्यंत शुद्ध है। वह भाव यहां ब्रज में जब लीला की तो उस अत्यंत पवित्र भाव को अंगीकार करके लीला करने के लिए योग माया जो है बार बार इस प्रकार से लीलाओं को घटित कर देती है। समस्त गोपियों का भगवान श्री कृष्ण से विवाह भी हो गया और राधा रानी का भी विवाह हो गया। पांडुर्वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं करवाया तो भी सबको भुलवा दिया, ये योग माया करती है। और योग माया ने उसके पश्चात सबको भुला करके अन्य अन्य गोपों से उनकी शादी भी करा दी और यहाँ राधा रानी की शादी हुई अभिमन्यु से। बोलो राधा रानी की जय। और वो कहाँ गई? ससुराल उनकी जावट। जावट में भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से मात्र 5-6 वर्ष के हैं। देखो भगवान का चरित्र हम समझेंगे, एक तो होता बाल्यावस्था जो 5 वर्ष तक की होती है, फिर 5 से 10 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं पोगंड, पोगंड 10 के बाद फिर केशोर अवस्था चलती है 15 तक। 5 से 10 पोगंड, 10 से 15 केशोर। भगवान चाहे बाल्यावस्था में चाहे भी स्तनपान कर रहे हैं तो भी जो उनका नित्य मधुरतम जो स्वरूप है वो केशोर अवस्था का अर्थात 15 वर्षीय, वो किसी भी अवस्था में उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर किशोरी जी, इनको किशोरी जी बोला जाता राधा रानी को इसी वजह से, क्योंकि ये जो है 13-14 वर्ष की है और ये 14-15 वर्ष की, ये अवस्था से ऊपर नहीं जाते। और भगवान जब समझ गए कि अब राधा रानी का विवाह हो गया है और उनको सिर्फ देखने के लिए, उनका दर्शन मात्र करने के लिए वो कई प्रकार के उन्होंने वेश धारण किए। कभी चूड़ी बेचने वाले बनकर जाते हैं, कभी रात्रि में पहुंचते हैं और पेड़ पर चढ़ करके कुहू करके कोयल की आवाज गाते हैं कि राधा रानी एक बार खिड़की खोल करके मात्र दर्शन दे। ये प्रेम ये क्यों हुआ? जो योग माया चाहती है विरह और मिलन एक दूसरे के पूरक है। यदि मिलन ही होता रहेगा तो प्रेम को आस्वादन नहीं किया जा सकता। जब विरह होगा, विरह बढ़ेगा तो प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें बाधाएं दी जाती हैं। योग माया का यही कार्य है किसी प्रकार से इनमें बाधाएं करके इनका प्रेम को और ज्यादा उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। तो ये योग माया ने सारी व्यवस्था की होती है। और एक बार जब विवाह हो गया राधा रानी का, अभिमन्यु जी वहां आए, मैया यशोदा ने अभिमन्यु को अंक में बड़ा बड़ा आशीर्वाद दिया। श्री गुरुदेव ने बहुत सुंदर पुस्तिका लिखी, आप सब पढ़िएगा, वह है श्री प्रेम संपुट। उसके अंदर क्या है प्रेम संपुट? मतलब होता है जिस प्रकार से कोई भी आभूषण हम खरीदते हैं, सोने की कोई भी चीज, तो एक छोटा सा डिबिया होती है, डिब्बा होता है, तो उसके अंदर उसको रखा जाता है। अमूल्य निधि को एक अच्छे से डब्बे में रखा जाता है। तो ऐसे ही प्रेम अत्यंत पवित्र और अमूल्य वस्तु, उसको रखने के लिए जो बक्सा है उसको बोला गया संपुट। तो अभिमन्यु को बड़े प्रेम से उन्होंने आलिंगन किया। यशोदा मैया ने कहा बधाई हो, तुम्हारा विवाह हो गया। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं राधा रानी को बचपन से जानती हूँ, उसका क्या क्या उसको अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ उसके लिए कुछ आभूषण वस्त्र इत्यादि दूं। तुम जब जाओ तो मुझसे ये एक बक्सा मैं तैयार कर रही हूँ, उसको लेकर के जाना। अब इन्होंने वहां पर एक बक्सा तैयार किया जिसमें राधा रानी के लिए सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र इत्यादि रखे। और जब अभिमन्यु चलने लगे, कहा हे अभिमन्यु तुम उस बक्से को लेके जाना। तभी वहां पर इनकी एक दासी स्वरूपा गोपी थी जो कृष्ण, उस पर उन्होंने आदेश किया, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, शायद स्मिता ऐसे कुछ नाम था, तो उसको इशारा किया कि माँ से नहीं बताना और बक्सा खोल करके वस्त्र हटा करके उसमें खुद बैठ करके बक्सा बंद कर लिया। ये कृष्ण नटखट ऐसे काम करते। बोलो श्री कन्हैया लाल की जय। अब मैया ने कहा अभिमन्यु जा रहे हो, वो बक्सा लेते जाओ। और बक्से में क्या है? साक्षात कृष्ण, सबसे बड़े आभूषण, राधा रानी का मूल आभूषण उसमें है। उन्होंने कहा मैं राधा रानी के लिए आभूषण दे रही हूँ, तो कृष्ण आभूषण बनकर उसमें बैठ गए। अब वो चल करके अभिमन्यु जी बड़े प्रेम से उसको उठाया है और उठा के चले हैं।
और जब चले हैं तो उनको आनंद बहुत आ रहा है क्योंकि कृष्ण को साक्षात लेकर चल रहे हैं। और जाकर के पहुंचे हैं और वहां जाकर के जब पहुंचे तो अपनी मैया से कहा, क्या नाम था उनका मैया का, जटिला और कुटिला उनकी जो बहन और मैया, उनसे कहा मैया बहन देखो देखो यशोदा मैया ने कितने सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र दिए राधा रानी के लिए। ठीक है अंदर ले जाओ अंदर ले जाओ। वहां उनकी गोपियां सखियां थी, राधा रानी ने कहा लाओ लाओ और अब तुम जाओ हम अपने आप दे देंगे। उसको जैसे ही खोला तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हो गए, प्रकट हो गए लोग श्री कृष्ण चंद्र भगवान और दोनों ने आपस में वहां मिलन हुआ, सारी गोपियों ने तालियां बजाई। ये है शुद्ध निर्मल ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदवक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम में मेरा परम आराधित गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्रशन भक्ति वेदांत शिल सिद्धगोस्वामी गुरु महाराज की श्री चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंड प्रणाम पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात जुगाचार्य नित्यलाभ प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्रशन भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव नित्यलाभ प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्रशन भक्ति श्रीशिल सिद्धांत गोस्वामी महाराज रूपानुग गुरु गौड़ी वर्ग गुरु परंपरा आनंद कोटि वैष्णववृंद समागत गौर भक्तवृंद जगन्नाथ स्वामी बलभद्र देव सुभद्रा देवी सुदर्शन जी महाराज राधा दामोदर जी राधा गोविंद परम करुणामयी श्री राधा ठाकुरानी सबके चरण में अधाम के यथा दंडत प्रणाम स्वीकार। आज की विशेष तिथि है, आज समस्त गौड़ीय वैष्णव के लिए क्या एक महत्वपूर्ण तथा गुरुत्वपूर्ण दिवस है। बोले क्यों, प्रभुपाद बताते हैं जो विष्णु का आराधना करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैष्णव। जो शक्ति का उपासना करते हैं क्या, शाक्त। शाक्त हाँ। तो जो कृष्ण को उपासना करते वो क्या कहा जाएगा, कृष्ण। ठीक है, उसी प्रकार जो राधा रानी की उपासना करते हैं उनको क्या उनको क्या क्या कहा जाता है, बोले कि गौड़ीय। बोले कि ड और र और यह जह ये संस्कृत में क्या अभेद होता है, इसलिए गौड़ीय की एक अर्थ ये है गौरीय, मतलब गौरी मतलब श्री राधा रानी। जो राधा रानी के भजन साधन करते हैं वो ही कौन है ना, गौड़ीय। तो आज ही वही श्री राधा ठाकुरानी की शुभ आविर्भाव तिथि। बोले अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग बड़े धूमधाम से ये जन्माष्टमी व्रत उत्सव पालन किए थे, उसमें ठाकुर जी क्या आविर्भाव हुआ था। तो वह ठाकुर जी के बारे में कहा गया है, बोले कि जंग ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुत स्तुवंति दिव्यस्तवे वेदेर सांगवद उपनिषद गायंती जह सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जंग जोगिन जस्यांतन विदुः सुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। इस श्लोक में ये बताया गया कि जो भगवान है इनको क्या, बल्कि जंग ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुत स्तुभ्यन्ति दिव्यस्तवे। ब्रह्मा रुद्र मरुत
और ये क्या करते हैं, भगवान की दिव्य दिव्य स्तुति यहाँ करते हैं, और वेद साक्षात रूप में जिसका क्या करते हैं ना, स्तुति इत्यादि करते हैं। तो और जोगिन जस्य अंतन विदुः, अर्थात ये जोगी लोग भी जिसका ध्यान के द्वारा भी जिसका अंत को प्राप्त नहीं कर सकते, वो ही कौन है? बोले देवाय तस्मै नमः। वैसा ही कौन है ना, कृष्णचंद्र भगवान है। ठाकुर जी को पूछा गया, ठाकुर जी सारी की सारी वेद और उपनिषद ये सारी की सारी आपकी स्तुति कर रहे हैं, ये बात क्या सच है? तो ठाकुर जी बिना द्विधा में गीता में सप्तम अध्याय सप्तम श्लोक में क्या बोलते, कि मतः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मई सर्वमिद प्रोक्तम सूत्र मणिगणा, कि मैं ही क्या हूँ ना, जिस प्रकार माला में धागा ही मूल होता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में अगर कोई मूल वस्तु है वो कौन हूँ ना, मैं हूँ। तो इसलिए मैं ही सारी की सारी सृष्टि का करता हूँ। और श्वेता श्वेतर उपनिषद इसके ठाकुर जी के बारे में तो और अच्छे से स्पष्टीकरण दे रहे, बोले कि न तस्य कार्य करण जो विद्यते न तस् न तत् समस्त अव्यधिक दृश्यते परास्य शक्ति विविध श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, बल्कि इसका जो ठाकुर जी का जितने भी सारे कार्य है, बोले कोई प्राकृतिक कार्य जैसा नहीं है, और भगवान के भगवान से ऊपर की बात छोड़ो, उनके समान भी कोई नहीं है। तो इसमें ये बताए कि जो ठाकुर जी जो स्थान है हर समय क्या है, उच्च स्थान में है, ठीक है, ये ही पुरुष है, बल्कि पूरे पूरे बास ही पुरुष है, मतलब जो पुरुष बोले अकेला ईश्वर कृष्ण आर सुभृत्य, ये जगत में जितने सारे वस्तु है केवल कौन, बल्कि कृष्ण ही है, वास्तव में भगवान है, पुरुष है, और सबके स्थान उनसे नीचा ही है। बल्कि ऐसा भगवान को इंद्रादि नारद आदि व्यास आदि और सुखादि ये क्या करते, हर समय स्तुति और स्तव इत्यादि करते रहते हैं, मगर वैसा भगवान कृष्णचंद्र सतत और निरंतर अगर किसी का भजन साधन करते, निरंतर अगर किसी का भक्ति करने के लिए प्रचेष्टा करते, वो कौन है? बोले श्री राधा ठाकुरानी। बोले श्री राधा रानी की जय। तो बोले ये ठाकुर जी क्या करते हैं हर समय, ये राधा रानी के ही प्राप्त करने के लिए तथा उनके लिए ही प्रयास करते हैं। इसलिए ऋग्वेद जिसे बोलते हैं कि जस्य पादरेणु बिलुंठन, भगवान वही राधा रानी के चरण कमल का जो रेणु है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते, बोले बिलुंठन भूमि में लोटपोट खाते, और क्या बोलते हैं कि देही पद पल्लव मुदारम है राधा रानी, आप जो दुर्जय मानव उपस्थित हुआ इसको क्या करो, आप मुझे दान दे दो, और इस मान को जाने के लिए अगर आप चाहते हो तो मेरा माथा में भी क्या करो, आप अपनी पद को स्थापन करो, मगर ये मान को छोड़ दो। तो बोलते हैं जगत कृष्ण का आराधना करते हैं, मगर वही कृष्ण भी अगर किसका आराधना करते हैं वो कौन है, शिष्य राधा ठाकुरानी। बोले कि राधा रानी कौन है, अभी हम पहले ही श्रवण कर रहे थे, बोले कि जा राधा स कृष्ण एव सह, अर्थात जो राधा ही है वो ही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वो ही श्री राधा रानी है। अभी ठाकुर जी अकेले थे, उनका विहार करने के लिए बड़ा इच्छा हुआ, तो इसीलिए अपने जो आनंद शक्ति है, लादिन शक्ति है, उसका जो सार वृत्ति उसी से ही कौन उत्पन्न हुए ना, ये श्री राधा रानी। तो बोलते कि कृष्ण पूर्ण शक्ति राधा पूर्ण शक्तिमान, बल्कि जो कृष्ण ये तो शक्तिमान है, मगर पूर्ण शक्तिमान अगर कोई है वो कौन है, श्री राधा रानी। इस प्रकार हम सुनते हैं भगवान क्या किए, बोले गिरिराज को धारण किए, गिरिराज को धारण किए ना, बोले कितना पुरुषता को दिखाए भगवान, ऐश्वर्य रस को दिखाए कहाँ ना, ब्रज में, मगर वास्तव में ब्रज के की रीति है, क्या रीति, बोले कि जब जब भी ठाकुर जी ऐश्वर्य रस दिखाने के लिए प्रचेष्टा करते हैं, ये ब्रजवासी के स्वभाव की रीति है, ये ऐश्वर्य रस की ही क्या करते हैं ना, माधुरी रस में परिवर्तन कर देते हैं। तो जब 7 दिन तक 7 रात तक ठाकुर जी गिरिराज को धारण किए, तो अभी जब गिरिराज भी पुनः स्थापन हुए, आपस में बात चला रहे, भाई गिरिराज को धारण कौन किया, बोले कन्हैया तो धारण नहीं कर सकता, बोले क्यों, बोले कि 7 साल की इतना छोटा सा बालक ही थोड़ी धारण कर सकता है, तो बोले फिर कौन किया, बोले कि सब तो वो सोच रहे थे, सब तो देख रहे थे कि कृष्ण, बोले कि कृष्ण 7 साल की बालक वो धारण नहीं किया, बोले और किया, बोले कि अपनी बाएं हाथ में धारण किया था, बोले कि बाएं हाथ भी नहीं, बाएं हाथ का कनिष्ठ अंगुली, बोले कनिष्ठ अंगुली भी नहीं, कनिष्ठ अंगुली की अग्रभाग से धारण किया था। तो आचार्य सर गोप लोग बोले हाँ इसका अंदर इतना शक्ति कहाँ से आएगा, ये तो 7 साल के बालक है, अरे हम अगर अपनी जो डंडा उसको ना लगाते ये गिरिराज स्थिर हो गए थोड़े रहता। तो बोले कि अच्छा तो फिर गिरिराज कौन धारण किए, बोले गोप लोग, बोले कि अरे तुम लोग किस प्रकार धारण किए, हाँ बोलते कि अगर कृष्ण धारण किए, बोले कृष्ण तो वास है कौन है, शक्तिमान, मतलब मगर वास्तव जो कृष्ण की जो शक्ति है वो बोले कौन, बोले कि राधा रानी। तो इसलिए वास्तव में गिरिराज को धारण करने वाले कौन थे, बोले कि राधा रानी। तो इसलिए मैं कटे कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपनी करी सहाय
और राधा रानी की कृपा से कई बार लियो राधा रानी की। तो भगवान कहा गया कि बोले क्या, बोले एक अहम बहुस्यात, बोले मैं तो अकेला था मगर बहुस्यात। भगवान ने क्या किए, आपको खुद को क्या किए ना, एक्सपेंशन मतलब अपने को प्रकाश किए। बोले किस प्रकार, बोले कि ये जो श्याम रस्य के उपनिषद में ये बता रहे हैं, बोले कि अनादि रयम पुरुष, मतलब ये जो पुरुष मतलब भगवान थे बस अकेले अनादि, उनका कोई आदि नहीं और खुद क्या है सबका आदि। तो ये अनादि पुरुष ने क्या किया, बोले कि अपनी जो विहार करने के लिए इच्छा हुई, बोले कि द्विधा विधाय, ये क्या किए ना अपनी जो स्वरूप को क्या किए द्विभाग किए, जिनमें से ये राधारणी उत्पन्न हुए। उनका कार्य क्या, बोले केवल ही केवल क्या ना कृष्ण को ही आनंद प्रदान करना। इसलिए जो राधा शब्द है इसका क्या, बोले कि कृष्ण न आराध्यते इति राधा, अर्थात कृष्ण ने जिसका सदा सर्वदा आराधना करते हैं वो ही कौन है, बोले श्री राधा रानी। एक तो अर्थ ये है राधा शब्द का और दूसरा अर्थ क्या बोल रहे हैं, बोले कि कृष्णं स्व आराध्यति सादेश राधिका, अर्थात कृष्ण भी जिससे ज़्यादा क्या करते हैं ना आनंद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कृष्ण राधारानी की जितने सारी सारी राधारानी की राधारानी प्रकाश ही इस कारण के लिए, बोले केवल ही केवल भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। तो इसलिए हमारा महाराज जी का अच्छा बात बताते हैं, बोले जो राधारानी उनके जो शरीर के जो वस्त्र है, बोले किस प्रकार वस्त्र राधारानी कौन सा कलर का पहनते हैं, नील वस्त्र। बोले कि ये नील वस्त्र राधारानी क्यों धारण करते, बोले इसको तुलना किया गया है किसके साथ, बोले कि ये लज्जा रूपिणी, अर्थात राधारानी अभी ये जो उनके जो नील वस्त्र है ये लज्जा के स्वरूप है। और जितने सारे माता लोग उनके के वास्तव जो अलंकार होते, बोले कि स्त्री से जो स्त्री लोगों का जो वास्तव भूषण जो अलंकार वो है क्या है ना लज्जा। तो राधारानी अभी लज्जा स्वरूप में क्या ना ये नील वस्त्र को धारण किए हैं। और दूसरा बोले कि उनका जो चुनरी है वो कौन सा कलर का, हाँ जो सूर्य की जो अरुण कलर मतलब जो सूर्य की जो किरण होता है ना प्रातः समय में, तो उसी प्रकार। तो बोले ये किसका प्रकाश, बोले कि ये तो है कृष्ण की अनुराग रूपी प्रकाश है। तो इसलिए जो राग होता है अनुराग होता है उसका जो स्वाभाविक कलर होता है लोहित कलर मतलब लाल कलर फीका लाल गौरी के वसन। तो बोलते कि इसी कारण के लिए ये कृष्ण के अनुराग में रंजित है राधारानी, इसलिए उनका जो ये चुनरी है ये लोहित कलर का। फिर दूसरा बताते हैं, और ये वक्षस्थल में क्या, बल्कि कृष्ण के लिए प्रणय मान धारण किए हैं, जो कंचुली उनका धारण किए। बल्कि ये मान क्या होता है, बल्कि ये जो मान है ये है बल्कि प्रेम के प्रति जो कुटिल क्या है न गति, अर्थात कभी कृष्ण के प्रति राधारानी क्या करते हैं ना अपने प्रेम को वर्धन कराने के लिए कृष्ण की बात को सुनते नहीं। कल हम ललिता देवी के बारे में भी श्रवण कर रहे थे, ये ललिता देवी क्या बोलते, बोली माँ दक्षिण भाव कलंगिनी, क्या करो तुम दक्षिण भाव को क्या करो हर समय उसको पोषण करो, सॉरी वाम भाव को पोषण करो। राधारानी अत्यंत सीधे साधा, कृष्ण हर समय उनको झूठ झाट बोल देते किसी प्रकार और राधारानी भी उसमें मन जाते हैं, मगर ललिता देवी उनको शिक्षा देते हर समय इस प्रकार सरल होने से नहीं चलेगा, क्या करो आप बीच बीच में मान उदय करो, जिसमें क्या होगा ना वो कृष्ण भी तुम्हारा तुम्हारा संग प्राप्त करने के लिए तुमको प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए। तो इसीलिए राधारानी का ये जो कंचुली है वक्षस्थल में जिसको धारण करते ये क्या ना कृष्ण की प्रणय मान में रंजित है। और इनका अंगकांति कैसा राधारानी की, हाँ तप्त कांचन गोरांगी, बोले कि जो केसर है ना केसर उसी कलर की जैसे ये क्या है राधारानी की ये जो रंग है। तो ये क्या, बोले कि ये अंगकांति केसर की सदृश। और राधारानी जो स्मित हास्य इसको किसी साथ तुलना किया, बोले कि कर्पूर की जैसा। तो इसमें ये ओवरऑल बता रहे हैं कि राधारानी की जितने सारी जो शरीर की गठन है वो हर हर चीज क्या कर रहे हैं ना कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण को प्रेम करने के लिए ही सारी की सारी चीज़ें उनकी उत्सर्गित हो। और राधारानी अकेली तो जन्म मतलब उत्पन्न हुए थे, पर वही राधारानी एक एक भाव को लेके क्या किए अपनी सारी की सारी संख्याओं को ये किए उत्पन्न करा के ये राधारानी के ये जो सेवा परिपाटी को इत्यादि करते हैं।
तो राधारानी केवल केवल कृष्ण की प्रेम करते है। बोले जो प्रेम्य वस्तु होगा ना, जिसको प्रेम करोगे, बोले उनका अंदर दो चीज विशेष रूप में होना चाहिए। बोले क्या? वो एक तो स्वतंत्र होना चाहिए और अपने असाधारण स्वरूप के अभिमान को त्याग करना चाहिए। इसलिए राधारानी हर समय कृष्ण की प्रेम करना चाहते। तो आज महाराज जी की अच्छी चीज बताया, बोले कि जगत में कोई प्रेम के वास्तव पात्र नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी स्वतंत्र नहीं, सब काल देश नियम इत्यादि के द्वारा बंधित है। और अपनी जो स्वरूप है, जो जड़ स्वरूप हो या चिन्मय स्वरूप हो, उसको तो कोई स्वरूप को भूल नहीं पाते। इसलिए वास्तव में इस जगत में और कोई प्रेम पात्र नहीं। तो प्रेम पात्र कौन हो रहे? तो श्री राधा ठाकुर, जो कृष्ण ही एकमात्र प्रेम। और राधारानी अपने सारे सारे प्रेम ये क्या करते? कृष्ण को प्रदान करके उनको आनंद प्रदान करते। तो बधाई महाराज जी का चरण कमल में अपनी ही जो गुरुवर्ग से हम मैं श्रवण किया हूँ उसको थोड़ा बतला दूंगा। हमारे गुरुवर्ग परंपरा से नरोत्तम ठाकुर श्री राधारानी को महिमा को वर्णना करते हैं। अनाशे पावे गिरी धारी, तो ये भी नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि राधिका के चरण के रेणु, चरण मतलब जो राधिका के पाद, पाद इनकी जो रेणु, तो इनकी धूलि को भूषण कर गोकुल छोड़कर जब द्वारिका चले गए, द्वारिका में राधारानी के विरह में इनको चाहते हैं। कृष्ण के शरीर में लगा कृष्ण स्वयं चाहते राधिका की चरणाश्रय जे करे से महाशय, जैसे हमारे रघुनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, देखो रघुनाथ गोस्वामी एक बार क्या किए थे, राधा कुंड में बैठ के हरिनाम कर रहे थे। तो हरिनाम करते करते बहुत समय हो गया, मतलब जो सुबह से बैठे थे तो ज़्यादा टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम तो धूप आ गया। धूप आया तो ये राधा रानी स्वयं आए अपने चुनरी को ध्रुव को बचाने के लिए, अपने चुनरी को छाया दिए। तो इसे महाशय जो जिन राधा राधारानी के चरणाश्रय करते हैं, जो चरण के आश्रय करते वो महाशय परम पुरुष है। फिर रूप गोस्वामी भी जब टेर कदम में रहते थे, जब भजन करने के लिए रहते थे, तब इन्होंने राधारानी स्वयं आके रूप गोस्वामी के लिए खीर बनाए थे। तो ऐसे ही राधा रानी बहुत दयालु और कृपालु है। इनकी जो चरणाश्रय करते हैं तो राधा रानी इनके ऊपर कृपा करते हैं कि कृष्ण इनको जल्दी कैसे प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें राधा रानी के आश्रय करना जरूरी है। और कि एक बार जब रास के समय कृष्ण ने क्या किए, तो मतलब गोपियों को थोड़ा ये क्या बोलते हैं व्यस्त, मतलब गोपियों को थोड़ा व्यस्त करने मतलब करने के लिए, तो इन्होंने अंतर्ध्यान हो गए, रास समय से अंतर्ध्यान हो गए, जाकर एक पहाड़ों के गुफा में बैठ गए और नारायण के रूप में बैठ गए। तो एक तरफ गोपियां गए और एक तरफ राधा रानी, कुछ राधा रानी के कुछ दासियां गए, राधा रानी गए कृष्ण को ढूंढने के लिए। तो पहले जो गोपियाँ गए तो देखे कि कृष्ण स्वयं नारायण चतुर्था चतुर्भुज धारण करके शंख चक्र गदा पद्म पकड़ के वो बैठे। तो गोपियाँ देखते, अरे ये तो हमारा आराध्य देव नारायण है, इनसे हमारा क्या काम है, हमको तो घनश्याम की जरूरत है, जो नंद नंदन कृष्ण इनको हमको जरूरत है, चलो इनको चले गए। फिर राधा रानी ने ढूंढ ढूंढ के इस जगह पर पहुँच गए। जैसे राधा रानी को देखे कृष्ण, ये नारायण जो कृष्ण जो नारायण अवतार लिए थे, तो नारायण देख के अपने स्वरूप को मतलब स्थिति को तुरंत आ गए, मतलब कृष्ण को कृष्ण अवतार को तुरंत पकड़ लिए। क्यों? ना नारायण अवस्था में इन्होंने रह नहीं पाए, राधिका को देखकर ही अपने स्वरूप को रह नहीं रख नहीं पाए, इस कृष्ण के अवतार में तुरंत आ गए। तो हमें राधा रानी के आश्रय लेने से कृष्ण शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं ना, जय जय राधा राम वृंदावन जा राधाम,
जिसके वृंदावन जो वृंदावन जिसका धाम है जो राधा रानी कृष्ण बिला कृष्ण सुख बिलासरा निधि जो कृष्ण को सुख देते मतलब जो आनंद देते ये राधा रानी कृष्ण को आनंद देते ये कहते ये ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तुगंति दिवैस्तवै जो ब्रह्मा वरुण रुद्र ये इंद्र मारुत जिनके नाम को दिन रात जिनके स्तुति करते हैं ये कृष्ण को राधा रानी सुख देती है आनंद देती है मतलब राधा रानी है कौन तो यहाँ पे कहते हैं श्री राधा कृष्ण प्रणया विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्माद अकात्मन विभुभूरा देह भेदम गतौतम ये कहते हैं कि राधा कृष्ण प्रणया विकृति ये तो राधा कृष्ण जो गुरुजी अभी कह रहे थे ना कि आपने बाई अंग से राधा जी को प्रकट किए फिर दाई अंग से बलराम जी को प्रकट किए तो ये बाई अंग से जो राधा रानी जो कृष्ण जो अंधेरा हमारा भाव है राधा रानी कृष्ण के जो भाव है जो ये अंधेर जो प्रेम जो घुनाघट प्रेम मतलब प्रणया विकृत मतलब घुनाघट प्रेम जब उत्पन्न होता है तब एक आनंद सृष्टि होता है तो ये आनंद कौन है ना राधा रानी तो ये राधा रानी कृष्ण को आनंद देती है तो इसलिए फिर अस्माद एकात्मन मतलब एक आत्मा वो एक आत्मा होते हुए भी लेकिन हम बोलेंगे ये तो दो दो है ना ये शरीर भेदा भेद मतलब शरीर में अलग अलग हुए है क्यों ना ये समाज को शिक्षा देने के लिए कि प्रेम की महिमा क्या है प्रेम मतलब क्या है इसलिए शिक्षा देने के लिए इन्होंने दो शरीर बन गए राधा और कृष्ण तो ऐसे ये राधा कृष्ण की और भी कहते हैं जो राधा की चरणाश्रय जो करते हैं इनको भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते जैसे हिंदी में धीवर को क्या बोलते हैं मच्छी पकड़ता है धीवर जैसे धीवर मछुआरा जैसे मछुआरा नदी में हो या तालाब में जब मच्छी पकड़ता है तो मच्छी पकड़ने जब जाते हैं जो अंदर पानी के अंदर जो खड़ा रहता है जो जाल बिछाता है जब जाल बिछाता है जो मच्छी वो क्या करता है ना जो बीच में आ जाता है वो मच्छी क्या जाल में फंस जाता है जो चरण में आ जाता है वो मच्छी फंसता नहीं है वो बच जाता है ऐसे ही तो हम क्या ना जैसे कि राधा रानी के चरणों को पकड़ लिए चरणों को पकड़ लेंगे तो हमें कृष्ण को जल्दी प्राप्त हो जाएंगे क्यों ना राधा रानी के ये कृष्ण के नाम को जपने से राधा रानी के चरणों को प्राप्त होता है लेकिन राधा रानी के चरणों को नाम को जपने से स्वयं कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं इसके लिए हमें राधा रानी के चरणों को पकड़ के कृष्ण को प्राप्त करने जल्दी प्राप्त कर लेंगे इसलिए प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं इसलिए ऐसे ही हमारे हमें क्या करेंगे हमारा तो शक्ति नहीं है राधा रानी के चरणों को पकड़ने के लिए तो हमें किसके चरणों को पकड़ेंगे ना गुरु श्री श्री भक्त सर्वलोकदर्पण कि गुरु जी के चरणों में सब कुछ अर्पण कर देना क्या हमारा है क्या धन दौलत हम चाहते हैं तो गुरु जी के पास आते कुछ रुपया दे देते नहीं तो कुछ कुछ भी वस्तु हमें अर्पित कर देते तो समझते कि हमें गुरु जी के समर्पित कर दिए ये वस्तु क्या हमारा है धन दौलत क्या हमारा है नहीं ये स्वयं भगवान क्या कहते हैं एक पुजारी कहानी बताता हूँ एक पुजारी एक मंदिर में सेवा किया करता था ठाकुर जी पूजा करता था तो ठाकुर जी पूजा करता था तो इसके लड़की के शादी करने के लिए तो ठाकुर जी को कुछ कामना रखा कि ठाकुर जी मुझे कुछ पैसा दो मेरी बेटी का शादी है तो ठाकुर जी दिए नहीं तो ठाकुर जी के ऊपर गुस्सा होकर बोले मैं तुम्हारे लिए रात 2 बजे 3 बजे उठता हूँ फूल तो कहाँ कहाँ से घूम घूम के फूल चयन करता हूँ माला बनाता हूँ माला देता हूँ तुम्हें पूजा करता हूँ क्या जरूरत है तुम्हें सब करने के लिए तो ठाकुर जी स्वयं उसको सपने में रात को बोलते हैं तू जो कुछ देता है तो तेरा चीज क्या देता है तू मेरा ही चीज देता है तो फूल ये फूल कहाँ से आया तो फूल तो जमीन है जमीन किसका जमीन कहाँ से आया था जमीन तो डूब गया था मैं उधार किया था तो मेरा ही जमीन है फूल पेड़ पौधा तो देखता है किसके लिए तो मेरा ही है ये सब कुछ तू मेरा देता है तो तेरा क्या देता है तो हमारा है क्या हमारा है काय मन वाक्य जो हमारे शरीर और मन और वाक्य गुरु जी को समर्पित करके हम गुरु जी के चरण को पकड़ेंगे तो हमें गुरु जी लेकर राधा रानी के चरण में पकड़ेंगे राधा रानी हमको लेके कृष्ण को प्राप्त करवा देंगे बस इतना कहकर मैं आपको जानने के लिए
श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के हमें चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र में गए सभी के चरणों में मेरा यथाशक्ति दंड प्रणाम। बस 5 मिनट है गुरुदेव ने बोला 5 मिनट। अभी आज से 5-7 साल पहले मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था कंपनी में, तो इंटरव्यू देने गया मैं वहाँ, तो उन्होंने बोला कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ 5 मिनट, और मैं 2 मिनट बता के चुप हो गया और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं अपने बारे में दो मिनट नहीं बता पाया तो मैं राधा रानी के बारे में क्या बता पाऊंगा। जो मैं खुद को अपने आप को जानता हूँ मैं अपने बारे में नहीं बता पाया तो राधा रानी की क्या महिमा का बखान करूंगा। मैं स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं राधा रानी को मैं भी नहीं जान पाया, मैं भी राधा रानी को नहीं जान पाया, तो क्या करा उन्होंने, किसका अवतार लिया, महाप्रभु के अवतार, दोबारा महाप्रभु जी के रूप में आए और राधा रानी की अंग कांति और भाव को लेके आए कि कम से कम मैं राधा रानी को जान सकूं। तो क्या जान पाए, तब भी नहीं जान पाए। जब वो जगन्नाथपुरी में दर्शन करने जाते थे तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पहले ही वो सीढ़ियों में उनकी ऐसी स्थिति हो जाती थी, वो किसकी तरह हो जाते थे, कछुआ की तरह, कछुआ कैसा होता है, सिकुड़ जाते थे, भाव को ग्रहण ही नहीं कर पाते थे। कभी कभी क्या होता था, इतने भावविष्ट हो जाते थे कि जो समुद्र था होता है ना समुद्र, उसको क्या समझ के, यमुना नदी समझ के कूद जाते थे। और कितने हो जाते थे, 12 हाथ लंबे, महापुरुष जी की हाइट लगभग कितनी थी, 6 फुट के करीब थी, और डबल हो जाते थे 12 फुट के, इतने मतलब भावों को आस्वादन ही नहीं कर पाते थे। गंभीरा में, छोटे से गंभीरा में कैसे रहते थे राय रामानंद और स्वरूप दामोदर राय, कैसे उनको भावों का आस्वादन कराते थे, तब भी वो पूर्ण रूप से राधा रानी के भावों का आस्वादन कर ही नहीं पाए। तो जब भगवान ही नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे, हम अपनी जड़ बुद्धि से कुछ समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते, लेकिन हम प्रयास तो करना पड़ेगा। महाप्रभु जी किस लिए आए, इसीलिए तो आए हमें बताने के लिए। अभी सुबह मैंने एक प्रश्न पूछा था आप सब लोगों से, जो सुबह मंगल आरती में आते हैं उनमें सिर्फ 2 लोग बता पाए, बाकी जो सुबह मंगल आरती में आते हैं उनके अलावा मैं सबसे पूछता हूँ, जो हमारे ठाकुर जी हैं उनका नाम क्या है, कोई बता पाएगा, जो मंगल आरती में आता उसको छोड़ के, कोई माता जी, हमारे ठाकुर जी जो है उनका नाम क्या है, जगन्नाथ नहीं, ठाकुर जी हमारे जो छोटे डीपीज हैं विग्रह है, बताए, कोई बताएगा, देखो प्रभु जी ने बताया राधा, किसी से निकली नहीं आवाज, सुबह भी सिर्फ 2 लोग बता पाए, हमारे जो ठाकुर जी का नाम है क्या है, राधा गोविंद देव, है ना। लेकिन देखो जब जय ध्वनि देते हैं तो क्या बोलते हैं, जय जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जू की जय। तो भैया राधा विनोद बिहारी क्यों, ये बंद कर देना, राधा विनोद बिहारी सुबह सुबह क्या बोलते हैं, राधा विनोद बिहारी की जू जय ध्वनि में, तो कोई बताएगा हम राधा विनोद बिहारी क्यों बोलते हैं, नहीं पता, देखो ये जानना बहुत हमें जरूरी है, राधा विनोद बिहारी जू क्यों बोलते हैं, राधा विनोद बिहारी जो हमारे जो परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी उन्होंने अष्टकम लिखा था, उसका नाम था विनोद बिहारी अष्टकम, उसमें वो बता रहे कि राधा चिंता निमेषण यस्य कांति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा कृष्ण राधा लिंगित विग्रह। तो बता रहे हैं कि हमें किसकी उपासना करनी है, कौन किसकी उपासना करनी है, भगवान कृष्ण को कह रहे हमारे कि जो कृष्ण राधा रानी के चिंतन में निवेशित हो गए और जिनकी अंग कांति कैसी हो गई है, गोरी गौरव वर्ण की, हमें ऐसे कृष्ण की उपासना करनी है। हमारे आपने देखे होंगे विग्रह ठाकुर जी कैसे हैं, गौरव वर्ण के मतलब गोरे, आपने देखोगे जगत में ज़्यादातर लोगों कहाँ दिखेंगे आपको, श्याम वर्ण के, लेकिन हमारे जो मुख्य मंदिरों में आपको कौन से दिखेंगे, गौरव वर्ण के। तो हमें उनके अनुगत्य में भजन करना है क्योंकि वो किसके भाव में है, राधा रानी के,
राधा रानी के, तो बताया गया कि हमारे जो गोलोक वृंदावन में ना दो प्रकोष्ठ हैं, दो स्थान है, एक औदार्य एक माधुर्य। तो जो महाप्रभु जी के अनुगत्य में राधा रानी के भावों का आस्वादन करते हुए भजन करेगा वो दोनों प्रकोष्ठ में जाएगा, उसके क्या हो जाएंगे, दो रूप हो जाएंगे। इस साधारण जगत के कोई उदाहरण से इस बात को समझा नहीं सकते, मतलब ये समझ लो हमारे दो डुप्लीकेट हो जाएंगे, हम एक बारी में दो जगह सेवा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, अभी जो आए थे इनका नाम क्या था, श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज किसकी लीला में आए थे, ये महाप्रभु जी की लीला में, लेकिन इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या है, रमण मंजरी। ये राधा रानी की सेवा में क्या है, रमण मंजरी। रूप गोस्वामी जी आए वो क्या है, रूप मंजरी। हमारे श्रील प्रभुपाद जी नयन मंजरी, ये इनको दोनों प्रकोष्ठ में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो क्यों हुआ, सिर्फ हमें किसके अनुगत्य में भजन करना है, महाप्रभु जी के अनुगत्य में, राधा रानी के और राधा कृष्ण की युगल जो सरकार युगल जोड़ी है इनका हमें भजन करना है महाप्रभु जी के अनुगत्य में। और देखो राधा रानी की महिमा कुछ ऐसी है, एक बार विदेश में श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने राधाष्टमी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, 2 घंटे का प्रोग्राम रखा, 1 घंटा कीर्तन वीर्तन हुआ और 1 घंटे कथा होनी थी। अब सब लोग बैठ गए कि चलो भैया राधा रानी के विषय में सुनेंगे आज, बड़े लोग उत्साहित थे कि आज पहली बार हमें विदेश में राधा रानी के बारे में सुनने को मिलेगा। अब स्वामी महाराज जी ने कथा स्टार्ट की, कृष्ण के बचपन से कैसे उनको गोकुल लाया गया और वहाँ कैसे नंदोत्सव मनाया गया और कैसे भगवान ने तृणावत को मारा, पूतना वध किया, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा और गोवर्धन लीला की और इतनी सारी क्या ना बहुत सारी लीलाएं की हैं, सारी भगवान कृष्ण का कि भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये कृष्ण ऐसे कृष्ण, इतने शक्तिशाली कृष्ण, सुंदर कृष्ण, ये भैया सब कह रहे कब राधा रानी का कब नाम आएगा। जब 58 मिनट हो गए, 2 मिनट बचे थे, तो स्वामी महाराज जी ने क्या बोला, जब कृष्ण कृष्ण हो गया, कह रहे जो ऐसे कृष्ण है ना, ऐसे कृष्ण जो है वो हमारी श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ये है राधे हमें अपने चरणों की सेवा दो। तो ये देखो राधा रानी की महिमा कि भगवान कृष्ण जो स्वयं राधा रानी के चरणों की प्रार्थना करते हैं। और हम देखो अभी देखते हैं जगत में कि जहां देखो राधा रानी और कृष्ण के विषय में गलत गलत बातें बताई जाती हैं, अरे देखो राधा कृष्ण ने भी तो किया था है ना, कोई दो शादी कर ले, हम नहीं, दो नहीं कर सकते क्या, भगवान ने तो 16108 की थी है, गोपियों के साथ रास किया था, हम करें तो रास लीला, वो कृष्ण करे तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, देखो ऐसी ऐसी किसी बातें बोलते हैं। तो वास्तव में ऐसा तो कुछ है ही नहीं है ना, हमें बताया गया था जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए थे उनकी आयु कितनी थी, 11 वर्ष 58 दिन है ना, उससे पहले जो रासलीला हुई थी कितनी एज में हुई थी, मात्र 7 साल की उम्र में, 5 से 7 साल की उम्र में। अब ये बताओ अभी के युग में, अभी देखो कलयुग चल रहा है घोर कलयुग, एक लड़का लड़की भाई बहन भी जा रहे होंगे ना, सब कहेंगे वो देखो लड़की के साथ घूम रहा है, इतना कलयुग चल रहा है। तो अभी सोचो एक छोटा 6-7 साल का बच्चा लड़की लड़की अगर खेलेंगे तो क्या हमारे मन में उनके लिए गलत भावना आएगी, बिल्कुल आ ही नहीं सकती। जब अभी नहीं आ रही तो 5000 साल पहले हम कैसे सोच सकते हैं, 5000 साल पहले हम कैसे सोच सकते हैं। तो ये हमारे अंदर बहुत गलत धारणा है, भगवान जो है जो बताया गया राधा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण, ये दोनों एक ही है, राधा कृष्ण एक ही है। तो एक छोटी सी लीला सुना के मैं कथा को विश्राम दूंगा। एक बार श्रीमती राधा रानी केली कुंज में भगवान कृष्ण के पास आई कि गोविंद मैं ना गोकुल में बहुत बदनाम हो गई हूँ है, मुझे सब लोगों ने बदनाम कर दिया है और सब मुझे क्या बोलते हैं, कृष्ण कलंकिनी, मेरा नाम रख दिया लोगों ने कृष्ण कलंकिनी, मैं तो बदनाम हो गई हूँ है। जो मेरी विरोधी गोपियाँ हैं ना वो बड़ा आनंद लेती हैं, बड़ा आनंद ले रही हैं कि कृष्ण कलंकिनी, देखो राधा रानी तो मैं अब क्या करूँ, कह रही मैं मेरी गलती क्या है बताओ, मैं आपसे प्रेम ही तो करती हूँ और कुछ कर रही हूँ, सिर्फ आपसे प्रेम करने की मुझे सजा मिल रही है कि मुझे इतना सुनना पड़ रहा है, सब लोग मुझे ताने मार रहे हैं है, कृष्ण कलंकिनी है, मेरे बारे में अफवाहें फैल रही है, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, सिर्फ मैं आपसे प्रेम ही तो करती हूँ, ब्रह्मा शिव नारद लक्ष्मी ये सब क्या कर रही है, अभी तो आपसे प्रेम ही कर रही है ना, तो इनको तो कोई कुछ नहीं कहता, सारा जगत आपसे प्रेम करता है, जगत को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रेम क्या कर दिया,
लोगों ने तो मेरे विषय में इतनी चर्चाएं करनी शुरू कर दी। अब मेरा मन करता है मैं विष खा के अपने प्राण ही दे दूं। जब गोपकृष्ण ने सुना, उन्होंने कहा हे राधा रानी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि जो लोग आपको ऐसा कह रहे हैं ना, आपके विषय में इतना सब कुछ कह रहे हैं, वही लोग कल को पश्चाताप होगा उनको और उनका सर नीचे होगा, और वो अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कृष्ण अपनी मैया की गोद में बैठे हुए थे और उन्होंने एक लीला की। यहाँ देखिए, वहाँ कहाँ देख रहे हो, अभी कुछ दिख रहा है वहाँ? ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने लीला की। अब लीला की वो उन्हें बुखार हो गया और वो क्या हुआ, अपनी माता की गोद में, यशोदा मैया की गोद में ही मूर्छित हो गए। अब यशोदा मैया ने जब देखा कि कृष्ण मूर्छित हो गए तो वो सहन नहीं कर पाई और वो भी, यशोदा मैया भी मूर्छित होकर गिर गई। अब तभी नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने देखा कृष्ण भी मूर्छित हो गए और यशोदा मैया भी मूर्छित हो गई, और वो ये देख के विलाप करने लगे, हैं कृष्ण, हे कृष्ण, हैं चिल्लाने लगे। क्या हो गया, देखो कृष्ण को क्या हो गया, सारे ग्वाल वाल ब्रजवासी आ गए, भैया क्या हो गया कृष्ण को, सबने देखा कृष्ण तो अचेत पड़े हुए, बिल्कुल है मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। अब क्या करें जाए, ब्रजवासी भी रोने लगे। देखो ब्रजवासियों कितना प्रेम था, कृष्ण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए, सारे ब्रजवासी रो रहे, सारे रो रहे। अब क्या किया जाए, सब भाग रहे, कोई वैद्य ढूंढ रहा है, कोई औषधि ढूंढ रहा है, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, सब इधर उधर लगे हुए कि किसी प्रकार कृष्ण ठीक हो जाए, लेकिन कृष्ण को होश नहीं आया और वहाँ यशोदा मैया भी मूर्छित पड़ी हुई। अब क्या करें, तभी नंद बाबा के पास एक वैद्य आया, उसने बताया कि मैं वैद्य हूँ और मुझे पता चला है कि आपका जो पुत्र है वो बेहोश हो चुका है। उन्होंने कहा हाँ आप आइए, उनका बड़ा स्वागत किया है, उनके हाथ में बड़ी औषधियाँ थी और पुस्तक थी कुछ, और उनको बिठाया गया सम्मान के साथ। उन्होंने क्या किया, कृष्ण की नब्ज देखी, नब्ज देख के बोला अच्छा, खैर परेशानी तो बड़ी गंभीर है लेकिन इसका उपाय भी है, सारे ब्रजवासियों को थोड़ी राहत मिली, चलो उपाय तो है। लेकिन उन्होंने बोला मेरे पास औषधि तो है, औषधि है, लेकिन औषधि के साथ मुझे एक और वस्तु की जरूरत है। उन्होंने पूछा बताओ क्या चाहिए, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है कृष्ण के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्राण नहीं चाहिए, आप एक काम करो, मुझे एक सती स्त्री चाहिए, जो सती स्त्री यमुना नदी से सहस्त्र छिद्र वाले मटके में और एक बाल के पुल पे चलते हुए जो जल लेके आएगी ना, उस जल में यह औषधि मिलाने से कृष्ण ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये कौन सी भैया, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा ठीक है। तभी उन जो वैद्य थे ना, उन्होंने एक अपने थैले में से चाकू निकाला और कृष्ण के बाल काट लिए, और बालों को काट के जोड़ के एक पुल बनाया और यमुना नदी के एक छोर से दूसरे छोर में बांध दिया, और एक मटका लिया, उसमें सहस्त्र छिद्र थे। बोला जो स्त्री सती होगी वही इसमें पानी भर पाएगी और एक भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिरेगी, और वो फिर स्त्री जब इस पुल पे चल के आएगी, एक बाल के पुल पे, और उसी जल में औषधि मिलाने से कृष्ण ठीक होंगे। अब सब स्त्रियों का अपने अंदर वो था कि हम तो भैया सती स्त्री हैं, सबकी सबने ट्राई करने चले गए। अब जैसी वो मटकी भरे पानी बह जाए, मटकी भरे पानी बह जाए, कुछ स्त्रियों ने क्या किया, थोड़ी चालाकी भी दिखाई, मटकी को पकड़ लिया कि पानी ना गिरे और पुल के ऊपर रखते ही पैर गिर पड़ी। अब भैया क्या होगा, अब वहाँ आ गई जटिला कुटिला, है तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हें नहीं पता हमसे बड़ी कोई सती स्त्री हो ही सकती है, हटो। अब भैया जटिला कुटिला उन बड़ी फेमस थी वहाँ, और उनके अंदर बड़ा अहंकार था, नंद सास और नंद, अब दोनों सास और नंद को बड़े, यार हमारी जो बहू है जो ना हमारी, ये कृष्ण कलंकनी है ना, उनको तो राधा रानी को कोसती रहती थी। अब उनके अंदर बड़ा अहंकार था, और कृष्ण ने क्या प्रॉमिस किया था कि जो तुम्हें ऐसा बोलती है ना, मैं उनका सर नीचे करा के दिखाऊंगा, और वही सबसे ज्यादा अपमानित होगी। अब जटिला कुटिला, सबसे पहले जटिला का नंबर आया, जटिला ने जैसे तैसे पानी भर लिया, भगवान ने भी लीला की, पानी भरने दिया, बड़ी प्रसन्न हो गई कि देखो दिखा रही ब्रजवासी को, मैंने देखो मटकी में पानी भर लिया, और जैसे ही वो उन्होंने पैर रखा और पानी में गिर पड़ी, और सारे ब्रजवासी उसको निकालने लग गए, सारे ब्रजवासी को निकाला, और बड़े क्रोध में हो गई जटिला कुटिला,
कह रही भैया ये कौन सा वो है, ये कौन सी विधि है, मैं नहीं मानती इस विधि को। कह रही स्वयं पार्वती स्वयं सती भी आएगी ना, वो भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, तो हम कौन सी चीज है। जब हम नहीं हुई तो पार्वती भी नहीं हो पाएगी, और दुनिया की कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है सती, हमसे ज्यादा सती है। और गुस्सा हो गई, क्रोध में चिल्लाने लगी। अब उधर यशोदा मैया परेशान हो गई कि भैया ब्रज में कोई ऐसी स्त्री है जो सती है। तो यशोदा मैया ने कहा कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने एकमात्र अपने पति के अलावा और किसी की सेवा नहीं की। अब जो वैद्य था ना वो डर गया, क्यों डर गया, वो वैद्य कौन था, भगवान कृष्ण ही वो वैद्य बन के आए थे। अब उन्होंने कहा भैया मैया ऐसे करेगी तो मेरी तो चालाकी पकड़ी जाएगी, अब मैया को मैं ऐसी दुविधा में डाल भी नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो पुत्र के जो है ना उसकी मैया वो नहीं जा सकती, और कोई भी जा सकता है। अब मैया ने कहा भैया ये कौन सी शर्त हो गई, नहीं पुत्र की मैया नहीं जा सकती, बाकी सब लोग जा सकते हैं। अब सब लोग परेशान। तो वैद्य ने कहा डरो मत, मुझे ज्योतिष विद्या भी आती है, मैं ज्योतिष विद्या भी जानता हूँ। अपना थैला निकाला, उसमें से चौक निकाली, जमीन पे बड़े आंकड़े बनाए, और लकीरें खींचने के बाद बड़ी देर तक विचार करने के बाद सारे ब्रजवासी देख रहे क्या बना रहे, कुछ चित्र बना दिए, हाथी घोड़े से लंबे लाइन वाइन खींच दी। कह रहा भैया मैंने देखो ज्योतिष शास्त्र में बड़ा उन्नत मैंने शिक्षा ग्रहण की है, और मुझे पता चला है कि ब्रज में एक स्त्री है जो सबसे बड़ी सती है। तो सबने पूछा कौन, उन्होंने बोला श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की जय। तो उन्हें बुला के लाओ। अब राधा रानी को बुला के लाया गया। अब राधा रानी आई, जब राधा रानी सब लोगों ने बड़ा सम्मान किया, और कुछ लोग कह रहे हैं अरे भैया जब हम नहीं कर पाए तो ये कर पाएंगी, जटिला कुटिला तो बड़ी खुश हो रही है कि अब ये पानी में गिरेगी है, और हम बड़ा मजाक उड़ाएंगी है घर में, आप बताएंगी इसे। तो अब राधा रानी भी आ गई अपनी सखियों के साथ। अब सब सखियों के साथ आ गई, राधा रानी को कलश दिया गया सहस्त्र छिद्रों वाला। अब वो जब लेके यमुना के किनारे पहुंची तो उन्होंने पानी में देखा कृष्ण की छवि दिखाई दी। कृष्ण जी, कृष्ण भगवान ने आश्वासन दे रहे कि आप भरो, कोई कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने जैसे ही मटके में डुबाया मटका, और मटका पूरा भर गया, और कृष्ण ने अपने ऐसा स्वरूप बनाया कि अपनी उंगलियों से सारे सहस्त्र छिद्रों को बंद कर दिया। अब राधा रानी ने जैसे ही वो कलश अपने सर पे रखा, ललिता विशाखा से पूछ रही है क्या पानी गिर रहा है, उन्होंने कहा नहीं, और सबके सब बड़ी जोर से चिल्लाने लगे श्रीमती राधा रानी की जय। अब ब्रजवासी बड़े खुश हो गए कि भैया उन्होंने मटकी भी रख ली, और राधा रानी ने उस बालों के पुल के ऊपर खड़ी भी हो गई। अब धीरे 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 चलते चलते अब जटिला कुटिला देख रही हैरान, ये भैया हो क्या रहा है, है? और राधा रानी जैसे कैसे करके पहुंच गई, और वहां हल्ला मच गया, राधा रानी की जय जयकार होने लगी, श्रीमती राधा रानी की जय। अब राधा रानी आ गई। अब राधा रानी ने वो जल दिया, वैद्य ने कहा बैठो यहीं। उन राधा रानी के हाथों से बोला ये थोड़ा जल निकालो, जल निकाल के औषधि में मिलाया, और तीन बार जल निकालने के बाद औषधि दी, और बोला इस जल को कृष्ण के मुख में प्रवेश कराओ। जैसे ही राधा रानी ने अपने हाथों के स्पर्श कृष्ण के मुख में रखा, वो जल जैसे ही डाला कृष्ण को होश आ गया, और ब्रजवासी बड़े खुश हो गए, तालियां बजाने लगे राधा रानी की जय। अब सब ब्रजवासी बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए ब्रजवासी। अब जो जटिला कुटिला सारी स्त्रियां ना सबका मुख नीचे हो गया है, और जो ब्रज की और स्त्रियां थी ना वो जटिला कुटिला को कोस रही, कह रही अच्छा तू तो बोलती थी तेरी बहू क्या है कृष्ण कलंकनी है, है हमें तो तुझ पे ही डाउट हो रहा है, हमें तो तुझ पे ही डाउट हो रहा है। और भैया वो उनका मुंह नीचे हो गया जैसा कि कृष्ण ने बोला था। अब यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने क्या करा उसका, यशोदा मैया ने क्या करा कृष्ण को बड़ा दुलार करा, और राधा रानी को दूध घी मक्खन दिया कि लो, राधा रानी ने नहीं लिया, राधा रानी ने नहीं लिया। फिर यशोदा मैया ने क्या किया, दूध घी मक्खन को लिया और कृष्ण को दिया, और कृष्ण को लेने के बाद जब राधा रानी को दोबारा दिया तो राधा रानी ने उसे स्वीकार कर लिया। तो यहाँ शिक्षा दे रही राधा रानी, सबसे पहले प्रभु को अगर हम ऑफर करोगे कुछ भी अगर आप भगवान को दोगे तो उसे मैं ग्रहण कर लूंगी। तो देखो ये इतनी सुंदर वहाँ की ब्रज की लीला हुई है, और इसमें बता रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ राधा रानी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें राधा रानी की चरणों की धूलि और राधा रानी की सेवा प्राप्त हो। तो एक बार जो हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी है ना, वो एक बड़ा अच्छी बात बताते हैं कि राधिका दासी हुई यदि अभिमान, शीघ्र ही मिले गोकुल कान। अगर हमारे अंदर एक छोटा सा भाव आ गया ना कि हम राधा रानी के दास हैं, तो कृष्ण हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले श्रील भक्ति विदान स्वामी महाराज जी का एक क्वाइन चलाए 125 रुपए का, है ना, एक हमारी
हमारे संप्रदाय की एक दीदी है श्री श्यामा रानी दीदी, वो नरेंद्र मोदी के साथ उसकी फोटो छपी है, सब जगह छपी है, आप देखा होगा कई लोगों ने, हर जगह सोशल मीडिया में उनकी फोटो आई है। तो जब वो हमारे श्री परम गुरुदेव श्री भक्तिविदान नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास आई ना, तो उन्होंने बताया कि आपने मतलब स्वामी महाराज जी से क्या सीखा, तो उन्होंने बताया कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा कि कृष्ण आपके पीछे भागेंगे। उन्होंने पूछा क्या मंत्र है, उन्होंने बोला कि राधा रानी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, आप राधे राधे राधा रानी का नाम लोगे ना, कृष्ण अपने आप ही तुम्हारे पीछे चले आएंगे। श्रीमती राधा रानी की। तो हमारा प्रयास ये करना है कि हमारा जो भी हमें भजन करना है, भक्ति करने किस अनुगत्य में करना है, श्रीमती राधा रानी की। वंशा कल्पत्रु वत्स कृपा श्री वंशा राधा रानी की जय। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं राधा रानी की जन्म उत्सव को उपलक्ष्य करते हुए आप लोग ने आए हो। राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, सबको ऊपर में राधा रानी आशीर्वाद करेगी, इसलिए आप लोग सबके सब राधा रानी की भजन करना। हम लोग जो हरे कृष्ण नाम, भैया कहाँ जा रहे हो, बैठो प्रसाद बाग जन बैठो। इसलिए कहते हम लोग जो हरि नाम ग्रहण करते हैं ना, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये जो हरे शब्द श्री राधारानी का नाम है, इसलिए भगवान कलियुग में अपना नाम रूप में आए हैं। अगर हम चाहते हैं राधा रानी की चरण की दासी बने, राधा कृष्ण को प्राप्त कर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बोले उनके नाम को द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सबके सब ये जो महामंत्र है, जरूर ये महामंत्र को जप करना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं स्वयं कलियुग में कृष्ण ही राधा जी की भाव अंग अंत लेकर के आए। यहाँ पर मानो राधा रानी कहती है अगर तुम मेरे को ये कलियुग में पाना चाहते हो, इससे एक सरल उपाय बताता हूँ, ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो। इसी मंत्र को द्वारा ही सर्वसिद्धि हैव सवार, शब्द सर्वसिद्धि मतलब राधा कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्ति होगी। इसलिए जो हरिनाम आप लोगों ने लिए हैं, हरिनाम को नियमित रूप में जप करना, ऐसे नहीं आज इच्छा हुआ तो कुछ कर लिया, कल माला जहाँ के तहाँ लटक रह गया, नहीं। महाप्रभु कहते हैं अगर एक दिन हरिनाम माला नहीं छुआ तो मानो ठाकुर जी भूखे रह गए, उनको वस्त्र नहीं पहनाया, ठाकुर जी दिन भर सोए नहीं। कभी माला को भूखे नहीं रखना चाहिए, भूखे मतलब हरिनाम अगर नहीं किया तो, क्योंकि कली जी को केवल नाम आधारा, हरि से बड़ा हरि का नाम है, खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को कभी भूखे नहीं रखनी चाहिए। और यही माला ही एक बार तुमको भगवान के पास में यही भगवान का नाम ले सकते, ठीक है ना। जिन लोगों ने माला लिए वो नियमित पूर्वक माला करना, ठीक है। और जो गले में जो तुलसी कंठी जब गुरु जी देते हैं, कभी भी गुरु जी कहते थे अगर किसी कारण से गले से तुलसी कंठी किस टूट गया, उसको दो बार धागा से पो करके दो बार पहन लो, नहीं तो मंदिर में आकर के माला ले लो। गुरु जी कहते थे अगर गले से कंठी उतर गई, जब तक माला नहीं पहनना तब तक पानी तक बिना पाप है, क्योंकि हम जब पीते हैं गले में कंठी, इसको स्पर्श करते हुए अंदर में जाने पर पवित्र होता है, बोली बनने पर गले में कंठी, जो बोली बोलते वो भी पवित्र बन करके निकलती है। और तो भागवत में बताया अगर किसी कारण से, जैसे कोरोना से लोग मर गए, पता नहीं चलते चलते कहीं हार्ट अटैक हो जाती है, अगर मर गए गला में तुलसी कंठी नहीं ना, सीधा नरक जाओगे, ये नरक से तुम कोई बचा नहीं सकते। लेकिन अगर गले में तुलसी कंठी है ना, कभी नरक नहीं जाओगे, सीधा भगवान को पास में सीधा जाओगे। इसलिए कभी भी गले से कंठी उतरनी नहीं चाहिए। और जो तिलक है, तिलक तो जरूर रखनी चाहिए, जब तक तिलक नहीं लगाओगे हैं, तिलक जैसे घर में पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा, जब तक तिलक नहीं लगाता पूजा नहीं कराता है, क्यों, तिलक के बगैर तुम्हारी पूजा पाठ सब निष्फल, कोई फल देने वाले नहीं। इसलिए जैसे किसी अच्छे काम पे जाते तिलक लगा कर भेजते हैं, इसलिए जरूर ये अभी प्रभु जी बता रहे थे ना कृष्ण, हाँ उन्होंने बुखार की, और जो प्रभु जी बता रहे थे भगवान स्वयं जानबूझकर बुखार की उन्होंने लीला की, बोले कोई भक्त अगर चरण धूलि दे उसमें मेरे को स्नान कराया जाए बुखार सही होगा। जब उन्होंने ये गोपियों की जो यही गोपियों की चरण धूलि, जब नारद जी
गोपियों की चरण धूली लाई, कृष्ण को स्नान कराया, तिलक लगाया, कृष्ण को बुखार सही हुआ, भगवान की बुखार उससे सही होता है। ये तिलक गोपियों की चरण धूली, राधा जी की चरण धूली, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, और ये दो ठाकुर का दो चरण, उसका नीचे देखो जैसे ठाकुर जी के चरण है तुलसी दल देते हैं। अगर ललाट में तिलक है ना, कभी जमपुरी नहीं जाओ, ये गोपियों का चरण धूली से जरूर ये तिलक लगाना, शर्म भरम नहीं करना, ठीक है, शर्म नहीं करना, तिलक लगाना, गले में कंठी और ये भगवान का नाम, ये तीन चीज को ठीक रखो, बस आपको भगवान का धाम में जाने में कोई रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, ये तीन चीज को ठीक कर लो, ठीक है। इसलिए राधा रानी हम सबको ऊपर में कृपा करे, गुरुवर्ग हम सबको ऊपर में कृपा करे, अपना चरण की सेवा दे, और आप लोग रोज कोशिश करना, जैसे आज आए हो, आज तो राधा अष्टमी इसलिए थोड़ा लेट हम लोग ने कर दिया, क्यों आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, ठीक है, इसलिए आज भक्त लोग ने प्रसाद दिया है, जिन्होंने भगवान राधा रानी की सेवा के लिए प्रसाद दिया उनके लिए ताली बजाओ, आज हम लोग का कल्याण करें, मंगल करें, ठीक है। इसलिए अभी एक मिनट एक कीर्तन कर लेते हैं, फिर सबके सब लाइन करके बैठ जाए, हाँ, और जो दूसरे दिन है ना कथा, 8 बजे से पहले कथा विश्राम हो जाती है, 8 बजे से पहले कथा विश्राम हो जाती है, आज प्रसाद इसलिए लेट हो गई, ठीक है, कोशिश करना 6 बजे आ जाने के लिए, ठीक है। बोले राधा जन्म सुनियाई रे मैया दे दो बधाई, राधा जन्म सुनियाई रे, चलती बैठाएगा राधा, राधा जन्म सुनियाई रे मैया दे दो बधाई, राधा दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, 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 काली जन्म सुने आई रे मैया, दे दो बधाई, काली जन्म सुने आई रे मैया, दे दो बधाई।
की जय जय श्री राधे। हम लोग सब लाइन निकल के ना जैसे बैठते हो।